कुंडलाक्रांतगण्डं कन्याख्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरीनस्तयेन श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वंदे वृंदावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेषम् सफलां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमारिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्यादुहृदनमयतया तरबोधने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय मदन मोहन जी महाराज की जय जला मैया की जय अनंत श्री विभूषण संत शिरोमणि श्री गोमतीदास जी महाराज की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय 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 श्री राधे परम संत महाराज भगवदावतार संत शिरोमणि श्री गोमतीदास जी महाराज के पावन प्रतिष्ठा महोत्सव के पांचवें दिवस के इस कार्यक्रम में आप पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहुत दिव्य आनंद हो रहा है। प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान की कथा का रस, आपके पधारने का आनंद, आपका उल्लास, आपका उत्साह, इस भीषण गर्मी में भी आपका जो उमंग है, प्रेम है, बहुत सराहनीय है। आइए भगवान की पावन कथा सुनने के लिए पावन गंगा किनारे पर चलें, मन को एकाग्र करें और ये कल्पना करें कि हम लोग पावन गंगा किनारे पर विराजमान हैं। कलकल की आवाज करती हुई भगवती भागीरथी गंगा बह रही है। गंगा के किनारे एक वटवृक्ष है, एक सुंदर चबूतरा मिट्टी का है, मणिमय उस पर आसन है। 16 वर्ष के सुखदेव जी उस आसन पर बैठे हैं। चंद्रमा के समान प्रकाशवान शीतल उनका मुखारविंद है, श्याम वर्ण है, बिल्कुल कृष्णानुकृति, जैसे कृष्ण ही बैठे हों। और भागवत के अनुसार तो भगवान कृष्ण ही सुखदेव बने हैं, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए, अपनी भागवती गंगा बहाने के लिए सुखदेव जी का ही जन्म हुआ है। कृष्ण ही पधारे, ये भागवत में संकेत किया है। सबके सामने राजा परीक्षित विराजमान हैं। देवर्षि लोग, ब्रह्मर्षि लोग, ज्ञानी लोग सब बैठकर भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं।
पहले दिन भागवत की कथा का महात्म, कथा का केंद्रीय भाव सुनाया कि कृष्ण प्राप्ति करूं सस्वद साधनम तद बदाधुना। पहले दिन महात्मे यही पूछा, सोनकादिकों ने क्या पूछा, ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने ये कहा, प्राप्त तो वह वस्तु हो जाती होती है जो खो जाती है। मैं ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण प्राप्त हो, मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा कि सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा, कृष्ण स्वरूप हो जाएगा। ये कथा का केंद्रीय भाव, इस सिद्धांत को लेकर के भागवत की कथा आगे बढ़ रही है। पहले सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव से पढ़े हुए चार श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत, जीवात्मा परमात्मा माया, इसका तात्विक विवेचन किया। फिर चार पुरुषार्थ जीवन के, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन। फिर सुखदेव जी ने पांचवा पुरुषार्थ प्रेम, अगर जगत में हो जाएगा, संसार में हो जाएगा तो चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, वही प्रेम अगर भगवान से हो जाएगा तो ब्रह्म स्वरूप प्राप्त जीव हो जाएगा, ये समझाया। मन इसका प्रमुख कारण है, मन के ही अपराध के कारण भरत जी ने तीन जन्म लिए, मन के ही भगवान से मिलने के कारण प्रह्लाद ने खंबे में से भगवान को बुला लिया, और अन्य अन्य कथाएं आपने सुनी। कल नंदोत्सव तक की कथा आपने श्रवण की, बड़ा दिव्य नंदोत्सव हुआ। हाँ, आप लोगों का उमंग जिन्होंने देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, वो देख रहे होंगे कि एक तरफ पगड़ी बांध करके ग्वाल वाल उछल रहे हैं, एक तरफ माता बहनों का उल्लास देखने को मिल रहा है, फिर योगी राज जी का वो दौड़ दौड़ करके लोगों को बधाई का उछालना, ये तो सबके मन को हर्षित कर रहा था। हमारी कमेटी के द्वारा कितने संयमित भावना से, बड़े ही संयमित क्रम से किस प्रकार नंदोत्सव का उत्सव हुआ, ठाकुर जी की छवि का दर्शन हुआ, कल आपने इसका प्रत्यक्ष दर्शन किया। आइए आगे की कथा सुने। अब हम कृष्ण की कथा तक आ गए हैं। भगवान कृष्ण की कथा, जो दोनों महापुरुष हैं, हमारे दो जो दिव्य देवताएं हैं, राम कृष्ण संपूर्ण जीवन वाले, उनमें हम राम और कृष्ण की तरफ आ गए हैं। यहां तक की यात्रा हमने पूरी कर ली। पधारिए महाराज जी, पधार रहे हैं। मूली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, मदन मोहन जी महाराज की जय। सभी लोग बोले एक साथ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ईश्वर के बारे में आप कृष्ण कथा तक आ गए हैं। ईश्वर की मान्यता विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों में ईश्वर की मान्यता अलग अलग प्रकार से है। प्रायः दुनिया के समस्त धर्मों ने
ईश्वर को निराकार के रूप में ही स्वीकार किया है। सभी धर्मों का लगभग मानना यही है कि ईश्वर आकार रहित है, ईश्वर निराकार है, न उसका नाम है, न इसका रूप है, न इसका स्वभाव है, न इसका कर्म है। प्रायः सब धर्मों ने ये माना और चतुश्लोकी भागवत में आपने भगवान के मुख से भी सुना। क्यों जी, भगवान ने भी यही कहा चतुश्लोकी भागवत में कि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रंग नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। आकार में बांधने से तो मैं छोटा हो जाता हूं। तो सारे धर्मों में भगवान के निराकार स्वरूप का प्रतिपादन है। हमारे ऋषि मुनि इससे दो कदम आगे बढ़े। वैदिक युग में ऋषियों से पूछा, महाराज भगवान निराकार तो है पर निराकार की उपासना कैसे हो सकती है? क्यों जी, गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी। सूर कहता है रूप नाम गुण जात जुगुत बिन निरालंब मन चक्रित धाबे सबविध अगम विचार ताहे को सूर सगुण लीला पद गावे। सूर ने लिखा निराकार की उपासना मेरे लिए बड़ी कष्टदायी हो रही है। क्यों? बोले नाम नहीं, रूप नहीं, स्वभाव नहीं, कर्म नहीं, नाम रूप गुण जात भेद बिन निरालंब मन चक्रत धावे। बिना आश्रय के मन चक्कर काट रहा है। सबविधि अगम विचार, निर्गुण को क्या जाना हमने? अगम वो जाने योग्य नहीं है, पहचाने योग्य नहीं है। सबविधि अगम विचार ताहि को सूर सगुण लीला पद गावे। मैं तो सगुण लीला पद गा रहा हूं। गीता में भी भगवान ने कहा निर्गुण की उपासना साकार व्यक्तियों के लिए बड़ी कठिन है। अव्यक्ता सक्त चेतसा। फिर ऋषियों से कहा देवता लोगों ने, महाराज परमात्मा का रूप तो निर्धारित करिए। तो वेद भगवान ने भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, भगवान का रूप धारण निर्धारित किया। ब्राह्मण लोग जो करते हैं, पंडित बताते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपाद। ये वेद भगवान में ईश्वर का स्वरूप लिखा है, सहस्र शीर्षा पुरुषः। पर ये मंत्र क्या बता रहा है? क्यों जी, ध्यान दीजिए आप लोग बहुत। हाँ, मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग यहां विराजमान हैं। वेद भगवान में लिखा है कि हजारों सिर हैं भगवान के, हजारों आंखें हैं भगवान के, हजारों पैर हैं भगवान के, हजारों हाथ हैं भगवान के। कि तो क्या आप ये माने कि ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा जिसके हजार पैर होंगे, हजार आंख होगी, हजार कान होंगे, तो ये कैसे चलता होगा, ये कैसे बैठता होगा, ये कैसे खाता होगा? ऐसा क्या आपकी कल्पना में है? क्यों जी, वेद भगवान में देखिए वेद की भाषा समझना कठिन है। मेरा निवेदन थोड़ा आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? वेद की शास्त्र की भाषा को समझना कठिन है। क्यों क्यों कठिन है? क्योंकि जिस भाषा में वेद और शास्त्र लिखे हैं वो भाषा अब बोल चाल से खत्म हो गई है। हम लोग संस्कृत से दूर चले गए हैं। हमारे वेद पुराण लिखे हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में किस भावना से लिखा है इसे जानने के लिए बड़ी कठिनाई आती है। आप विचार करिए, ऐसा वेद भगवान कह रहा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपाद, हजार सिर वाला, हजार पैर वाला, हजार आंखों वाला, ऐसा परमात्मा श्री विराट स्वरूप है। इसमें भी कोई व्यक्ति नहीं है ये, इसमें भी सारे संसार के स्वरूप को भगवान ही माना है। सहस्र शीर्षा माने हजारों सिर वाला, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब भगवान के ही सिर हैं।
ये भगवान का विराट दर्शन है, माने ब्रह्मांड का दर्शन है। हजारों सिर हैं भगवान के, माने हमारे आपके जितने भी संसार के सिर हैं वो भगवान के ही तो हैं। इस मंत्र में कोई अलग से ऐसा कोई भगवान हो, हजार सिर वाला बैठा हो, ये अर्थ नहीं है। हाँ, हजारों सिर हैं माने हजारों आदमी उनके द्वारा, ये सब भगवान के रूप हैं। सहस्त्राक्ष, हजारों हजारों आंखें हैं। सहस्त्रपाद, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। ये हमारे आपके विराट स्वरूप के सब हमारे तुम्हारे हाथ उसी के हाथ हैं। और क्या लिखा है भगवान का रूप वेद में? चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा उसका मन है। चक्षु सूर्यो अजायता, उस परमात्मा की आंख सूर्य है। तो विराट हो गया ना। सारे ब्रह्मांड को परमात्मा के रूप में ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः, ब्राह्मण मुख से हुए, ये भी अर्थ है पुराणों में। लेकिन इससे श्लोक का अर्थ क्या होगा मंत्र का? ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, आसीत माने था। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख था। जब विराट पुरुष का वर्णन किया तो ब्राह्मण मुख है। बाहु राजन्य कृतः, इसकी बाहु क्षत्रिय हैं। जितने भी वैश्य हैं वो इसकी उरु हैं। माने ये श्लोक, ये मंत्र भी हमें विराट परमात्मा का दर्शन करा रहा है। विराट भगवान विराट स्वरूप हैं, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है। मेरा निवेदन करने का अर्थ है, अन्य दुनिया के समस्त धर्मों ने परमात्मा को निराकार माना, हमारे सनातन धर्म ने भी हमारे परमात्मा को निराकार माना और सारे ब्रह्मांड को परमात्मा का रूप माना। यहां तक ही यात्रा आपकी समझ में आई? पर ध्यान दीजिए, हम लोग प्रयोगवादी लोग हैं, यहां समझ की बात है। हम लोग प्रयोगवादी लोग हैं, हम कहे सुने को मानने वाले नहीं हैं। हमने भी परमात्मा का मानवीकरण किया है, हमने परमात्मा को आदमी के रूप में उतारा है। हमने कहा हम ऐसे भगवान को नहीं मान सकते जो कणकण में रहता है। कणकण में परमात्मा रहता है, इससे हमारा मन नहीं तृप्त हुआ। सारे ब्रह्मांड ही परमात्मा का रूप है, इससे भी हमारे ऋषियों का मन तृप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम तो मानवीकरण करना चाहते हैं, हम तो यदि परमात्मा है तो हमारे सामने बुलाना चाहते हैं, हम अगर परमात्मा है तो हमारी तरह से सामने बात करना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, संसार के सारे धर्मों में केवल हमारा धर्म प्रयोगवादी है। हम प्रयोगवादी लोग हैं, हम प्रैक्टिकल करना जानते हैं, हमने परमात्मा को भी साक्षात किया है। दुनिया के किसी भी धर्म में, दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी चिंतक ने यहां तक नहीं सोचा कि इस निर्गुण निराकार को साकार धरती पर उतार दे। ऋषियों ने कहा वो है, साकार हो सकता है। तो मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष दिव्य हजारों वर्षों तक तप किया। रामायण, ये तप क्या है? ये निराकार परमात्मा का मानवीकरण है। मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर उस निराकार परमात्मा का ध्यान किया और ये कहा कि यदि तू है तो साकार रूप में मनुष्य बनकर आए तो हम मानेंगे कि आप भगवान हैं, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। भगवान ने निराकार ने साकार होकर विराट रूप ने सुख रूप बनाया और चतुर्भुजी बनकर के कहा बोलो क्या चाहते हो? चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु हम मानवीकरण चाहते हैं, हम आपको धरती पर उतारना चाहते हैं, हम निर्गुण से सगुण बनाना चाहते हैं, हम परमात्मा को सामने उतारना चाहते हैं। निराकार निराकार लोग कहते रहे, हमारा मन नहीं भर रहा है निराकार से, अब साकार आइए।
भगवान ने कहा मैं राम बन करके, तुम दशरथ और कौशल्या बनना, अगली बार मैं राम बन करके धरती पर आऊंगा और मैं ब्रह्म के एक गुण को प्रदर्शित करूंगा। ब्रह्म का, परमात्मा का एक गुण है, वो कण कण में रमा हुआ, ब्रिय वर्धने धातु ब्रिय व्यापकत्वात् ब्रह्म, कण कण में व्याप्त है, वही तो ब्रह्म है। भगवान ने कहा मैं कण कण में व्याप्त होकर आपको बताऊंगा। पहला मानवीकरण किया, जैसा आपसे कल निवेदन किया गया, भगवान के तीन अवतार हैं, अंशावतार, आवेश अवतार और पूर्ण अवतार। अंशावतार तो ये नारद व्यास कपिल देव आदि हैं, इनमें अंश ज्यादा है। आवेश अवतार वो है जब सृष्टि में कोई व्यवधान होता है, भगवान की बनाई भाई दुनिया में कोई गड़बड़ होती है, तो कभी बारह बन करके सुअर बन करके कभी हिरण्याक्ष को मार देते हैं, कभी नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मार देते हैं, हाँ कभी बलि को राजा बनाने को बामन बन के मांग करके पृथ्वी दे जाते हैं। जब जब सृष्टि में गड़बड़ होता है तब तब पधार पधार करके भगवान अवतार लेते हैं। तुलसी ने भी यही तो कहा, जब जब हो ये धर्म बिहानी, जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, माने असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा पीरा, हरहि कृपा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में व्यवधान होता है, धर्म माने कानून, धर्म माने नियम, धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने संसार की चलाने का क्रम, हाँ ये धर्म के अर्थ है, धर्म माने नियम, धर्म माने व्यवस्था, हाँ धारेती इति धर्म, हाँ यह बड़ा आश्चर्य, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, तो धार्य धर्म शब्द का क्या अर्थ है लीजिए, धर्म माने क्या है, धर्म शब्द अर्थ है धारयति अस्मान इति धर्मः, जो हमें धारण करे हमारी रक्षा करे वो धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो हमारी रक्षा करे वो धर्म है, हमारे लिए नाश करे वो अधर्म है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला, ये अर्थ नहीं करना चाहिए कि जो धारण हम करें, नहीं नहीं,
हम धारण करें वो धर्म नहीं है, आसमान धारयति इति धर्म। शास्त्र कहता धर्मा रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। स्वल्पमत्पश्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। धर्म का थोड़ा आचरण भी व्यक्ति को बड़े भय से हटा देता है। हाँ, अरे चोरी नहीं करनी चाहिए, लाखों का सामान रखा है, आपके मन में एक बात है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो आप कितने बड़े पाप से बच गए। तो जब जब धर्म नष्ट होता है, जब जब व्यवस्था नष्ट होती है, जब जब मानव के धारण करने की कानून नष्ट होती है, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, अनेक प्रकार का शरीर धारण करके हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। दुष्टों के जो द्वारा सताए हुए सज्जन हैं उनकी पीड़ा को हरण करता है। तो दूसरे नंबर का अवतार होता है आवेश अवतार। नरसिंह है, बामन है, हयग्रीव है, आवेश होता है भगवान को और कार्य करके भगवान चले जाते हैं। और दो अवतार हमारे संपूर्ण अवतार हैं, जो मानवीकरण करके हमने दिखाया। हम ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे, आवेश वाले भगवान को भी नहीं मानेंगे, हम उस भगवान को मानेंगे जो हमारे यहाँ ही जन्म लेगा, हमारे यहाँ ही बड़ा होगा, हमारे यहाँ हमारे साथ कंधा मिलाकर चलेगा और हमें ये बता देगा कि मैं भगवान हूं। दुनिया में और भारत के अलावा कोई प्रयोगवादी है ही नहीं, ईश्वर को प्रयोग करने वाला संसार में है ही नहीं। हमें गर्व है, हमें अभिमान है, हमें गौरव है, हमारे भारतीय लोग प्रयोगवादी लोग। किसी भी धर्म के लोगों ने ईश्वर का मानवीकरण नहीं किया, ईश्वर को मानव बन के नहीं बुलाया, और हमने कहा आप मानव बनकर आइए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो दो प्रकार के भगवान हमारे यहाँ आए, एक मर्यादा वाला, एक प्रेम वाला। एक ने आकर के मानव जाति को पाठ पढ़ाया, राम जी ने आकर के मानव जाति को मानव को कैसे रहना चाहिए ये पाठ पढ़ाया। भाई का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, ये राम जी ने सिखाया। बंधुओं, किसी भी तरह से आप देखें, राम से बढ़कर के संसार में और कोई धर्म और मर्यादा का मानने वाला हुआ ही नहीं। अब आपको किस एंगल से बताएं, भाई हो तो राम ने। भरत जी जब रोने लगे तो यही कहा, इतनी क्यों रोते हो भरत, राम के लिए क्यों रोते हो भरत, क्या बताऊं, खेल हैं आप, हारे हैं आप, जितावे हैं मोही। खेल में भी राम कभी जीते नहीं थे, जीत भी जाते तो यूं कहते मैं हार गया हूं, भरत तू जीत गया है। इसको कहते हैं भाई, अयोध्या जैसा साम्राज्य और ठोकरें खाता रहा, राम ने ठोकर दे दी और चला गया साम्राज्य। कैसा था, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, पर एक भाई नहीं ले रहा है, दूसरा भाई नहीं ले रहा है। भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। पुत्र हो तो आहा, तीन तरह के शास्त्र में पुत्र बताए हैं। उत्तम चिंततम कुरियात प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुरियात अकर्तो चरितम पितु। भागवत नौमाश्का। भाई उत्तम बेटा कौन सा, उत्तमश चिंततम कुर्यात। उत्तम बेटा वो है जो पिताजी विचार करें, माता पिता गुरु उसे करें। यो नहीं कहे कि हमने कही, ये अहंकार कही थी आप, नहीं नहीं, माता पिता विचार करें उस काम को पूरा कर दे वो उत्तम, और प्रोक्तकारी तो मध्यमा, और कहने से करे वो मध्यम। भगवान का मानवीकरण हुआ, तो कल आपने नंदोत्सव को सुना, हमारे हृदय में भी परमात्मा का उत्सव हो सकता है। आज भी भगवान के हृदय में अगर ध्यान करें तो परमात्मा दिखेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब कृष्ण की ओर अपना मन ले चलिए। कल उत्सव हो गया था थोड़ा, पर हम क्रमबद्धता से उत्सव जन्म नहीं करा पाए।
पांचवें दिन राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हें प्यास नहीं लग रही है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है, आज पांचवा दिन हो गया है, अरे थोड़ा गंगा जल पी लीजिए, तुम्हारे खुदा और प्यास नष्ट हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज पिबंतम त्वन मुखाम भोजाच्युतम हरि कथा, अरे जल क्या पीऊंगा मैं गंगा का, मैं तो अमृत पी रहा हूं, कथा रूपी अमृत। ध्यान दीजिए आप लोग, 7 दिन तक राजा परीक्षित ने एक चुल्लू भर जल भी नहीं पिया था, इतना प्रेम रस। महाराज आप तो मुझे कथा सुनाइए। कथा सुनने आ गए, कथा कौन सुनेंगे, कृष्ण की कथा सुनने वाले का एक विशेष विशेष एक योग्यता है भागवत में, विशेष योग्यता, कौन कह सकता है, कौन बांच सकता है, इसके लिए विशेष योग्यता है। और 10वें स्कंद में कहा, निवृत्त तरसै रूपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोविरामात् कहौ तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पसुगना। आहा, निवृत्त तरसै रूपगीयमानात्, हे राजा वही भगवान की कृष्ण की कथा कह सकता है। निवृत्ता तृष्णा येषां सा निवृत्त तृष्णा, जिनकी मन की सारी कामना नष्ट हो गई है वह कथा को कह सकता है। जिसके मन में तनिक भी कामना है प्राप्ति की, जिसे मोक्ष तक से वैराग्य है, जिसे स्वराज्य और वैराज्य से भी वैराग्य है, जिसे सारे संसार की मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य है, उनके द्वारा गाया जा सकता है और उनके द्वारा सुना जा सकता है। कृष्ण बनाने की कथा है, क्योंकि हमारा केंद्रीय भाव है कृष्ण कौन बनेगा, मैं कृष्ण हूं, ये किसे अनुभव होगा जो कृष्ण की कथा को इस भाव से सुनेगा। निवृत्त तर शरीर उपगी यमाना, संसार की तनिक भी जिसके मन में कामना नहीं है, तृष्णा माने कामना, ये भागवत की कथा नहीं है। भवौ सदात, ये आवागमन के चक्कर को मिटाने की दवाई है। क्यों महाराज, जो नहीं ध्यान से सुनेंगे तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है, नहीं, मनोभिरामात, मन का प्रेम उनका भी बढ़ेगा, कल्याण तो उनका भी होगा, लेकिन जो ठीक ठीक लाभ मिलना चाहिए, मैं कृष्ण हूं यह भाव नहीं हो। हे महाराज, कौन दुनिया में ऐसा होगा जो भगवान की कथा को नहीं सुनेगा। भगवान ने कहा, राजन सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सप्तम, हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, अब तेरी बुद्धि कृष्ण तक आ गई, अब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, हे राजा जिसकी आत्मा का मल धुल गया है, जिसकी आत्मा पवित्र हो गई है, जिसकी आत्मा में किसी प्रकार का मल नहीं है, वह कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, वो कृष्ण के चरणों को छोड़ता नहीं। और जिनके मन में कामना है, जिनके मन में मल है, जिनके मन में विपरीत भाव है, वो कृष्ण चरण से प्रेम नहीं करता है। तुम्हारा मन बिल्कुल धुल गया है, अब तुम्हारी बुद्धि भगवान कृष्ण के लिए हो गई है, तो कृष्ण कथा के कृष्ण के अवतार का कारण है पृथ्वी का ताप, देवताओं का ताप, पापियों का पाप, ये कृष्ण अवतार का कारण है। कंस का अपराध होने लगा, कंस के साथियों का अपराध होने लगा, पृथ्वी देवी भगवान के पास पहुंची है, गैया का रूप बनाया। शास्त्रों में पृथ्वी को गाय कहा, क्योंकि गैया जितना देती है पृथ्वी गाय एक ही है, गाय कहा, गैया का रूप बनाकर पृथ्वी माता जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास ले गए, दोनों मिलकर भगवान विष्णु के यहाँ प्रार्थना करने लगे। जगाम सत्रिनयन तीरम खीर पयो निधे, हाँ खीर सागर में जाकर प्रार्थना की, महाराज अरे धरती पर भजन बढ़ गया है, राक्षस हो गए, पधारिए। भगवान ने कहा, सुनो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या?
जितने भी तुम देवता हो हमारे स्वर्ग में रहने वाले, वो धरती पर उतर के जाओ, मैं जब आऊंगा। क्योंकि आप अगर प्रधानमंत्री को बुलाएंगे तो अकेला आ जाएगा क्या? आप बताओ, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे अकेला आ जाएगा? नहीं नहीं, डॉक्टर उसका खुद का आएगा, रसोईया उसका खुद का आएगा, हाँ साथ रहने वाला संरक्षक उसका। आपको हम बंदूक लेके चलेंगे मत लाना, तो आ जाएगा। अच्छा, हम बढ़िया भोजन बनवा देंगे आपको, हाँ आप अपना रसोईया मत लाना, तो खा लेगा। तो ध्यान दें, भगवान के सारा परिकर देवताओं का पृथ्वी पर आया। साहब देवता ने कहा महाराज हम यादवों में जन्म लेंगे, हम गोप ग्वाल बनेंगे आपकी सेवा में, आपकी लीला को देखने के लिए हम लोग गोप ग्वाल बनेंगे। देवियों ने कहा आप, हम देवियां बनेंगी, गोपियां बनेंगी, गोपी बन करके आपके भक्ति का आनंद लेंगी। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हाँ, गोपी और गोप माने आप जानते हैं कि नहीं? हाँ, कथा प्रारंभ हो रही है कृष्ण की। गोपी माने क्या है? कई लोग तो कहते हैं गोपी स्त्री को कहते हैं, रास में स्त्रियां, ऐसी बात नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ है गोभी इंद्रिय पिबत कृष्ण रसम सा गोपी। गोपी का अर्थ है संस्कृत व्याकरण में गो माने इंद्रियों से कृष्ण के रस का पान करे, ऐसी आत्मा का नाम है गोपी। कानों से कथा श्रवण, हाथों से पूजन, पैरों से परिक्रमण, हाँ भगवान का प्रसाद ग्रहण, जो अपनी गोमान्य इंद्रियों से कृष्ण रस को पिए। अब गोप किसका नाम है? गो इंद्रिय पाति अवरक्षत कृष्ण रसम स गोप, अपनी इंद्रियों से कृष्ण के रस की रक्षा करे, कृष्ण के रस की सुरक्षा करे, वो गोप। या स्त्री नहीं है कोई, या पुरुष नहीं है कोई, ये मानवीय सृष्टि नहीं है साहब, ये अतिमानवीय सृष्टि है, या देवता लोग आए। आइए आप लोग जाइए वहां विराजिए। देवी देवताओं से कहा, थोड़ा सा और गुप्त भाव है वृंदावन का, निवेदन कर दूं आप कहें तो। वृंदावन की मान्यता है दो कृष्ण हैं, हाँ एक द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण वो है विष्णु भगवान, और एक है वृंदावन के कृष्ण वो है गोलोक धाम वाले भगवान। गर्ग संगीता में, पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा हुआ है कि भगवान का ये हमारा 14 लोक हैं। आप जानते हैं 14 लोक तो आपने सुना है, भूर भुव स्व, ये नीचे अतल वितल सुतल तलातल, इसके ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम है। वैकुंठ का अर्थ है विगता कुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं है वैकुंठ है, और वैकुंठ से ऊपर खीर सागर से ऊपर भगवान का गोलोक धाम है, जहाँ श्यामा श्याम विराजते हैं। इसको निम्बार की लोग कृष्णोपासक गोलोक धाम, इसी को रामोपासक साकेत धाम, और इसी को शिव धाम, शिवलोक, वो परमात्मा का लोक है। तो गोलोक धाम में जाकर के खीर सागर में जाकर कहा, महाराज आप अवतार लीजिए, तब तो कहा मैं विष्णु बनकर आऊंगा, मैं देवता बनकर कृष्ण बनकर आऊंगा। जगाम से त्रिनयना तीरम खीर पयोनिधे, भागवत में लिखते हैं फिर पयोनिधि माने गोलोक धाम पहुंचे। भगवान से कहा महाराज आप भी पहुंचो, भगवान ने कहा भैया मैं वृंदावन में ही रहूंगा, दिव्य वृंदावन आ रहा है। गोलोक धाम से वृंदावन आया, राधा रानी आई, अष्ट सखी आई, अष्ट सखा आए, वो गिरिराज बाबा जमुना ऊपर रहने वाला यहाँ आया, और जमुना जी आई। भगवान ने कहा मैं अवतार लेने वाला हूँ, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ या राजा कंस के आतंक से देवकी का, आपने सुना ही है। कंस ने कहा हमारी बहन का बेटा, देवताओं ने कह दिया तुम्हारे हाथ में बेटा काल होगा जब विवाह होकर जा रहे थे राजा, देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है, कंस ले जा रहा था बिठा कर रथ में, आवाज लगा दी, हे मूर्ख जिसका तू विदाई का उत्सव कर रहा है, इस बहन का आठवां बेटा तेरा काल होगा, बस बाल पकड़ के काटने लगा, झूठ हो जाएगी तुम्हारी बात, अरे बेटा तो जब होगा जब मेरी बहन जिंदी रहेगी, काटने लगे। कौन रोके भाई, तो ज्यादा घमंडी आदमी हो ना तो ये नियम है उसकी प्रशंसा करना चाहिए। सबसे ज्यादा बढ़िया काम करने वाला घमंडी आदमी होता है, बड़ाई करो काम कर देता है, जो चतुर होते हैं ना उनसे काम निकालना बड़ा कठिन।
बड़ा घमंडी बोले राजन, श्लाघनीय गुण सूरये भवान भोज शस्कर। दुनिया में वीरों का नाम लिया जाता है तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। बोले हाँ, सबसे बड़ा वीर हूं। कंस ने कहा मैं वीर हूं। तो वीर कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते, मैंने ये सुना है। और तुम बहन को मार रहे हो, विवाह के समय मार रहे हो। हमारे यहाँ विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को ना, हाँ, हमारे यहाँ मानते हैं कि ये देव स्वरूप है, इसलिए हमारे यहाँ पलका चार अब तो बंद हो गया। अब तो पलका पहले ही पहुंच जाता है, बेड डबल बेड। पहले पलका चार होता था, हमारे यहाँ परंपरा थी। और दूल्हे दुल्हन बैठते थे पलंग पर और गुरुजी और माता पिता बैठते थे नीचे, है ना, ऐसा था ना। हाँ, और माता पिता उसके चरण धोते हैं दूल्हे दुल्हन के, दूल्हे के पैर धोते हैं माता पिता और सिर से लगाते हैं। और जब मंडप झांकने आवे ना मना झांकने के लिए दूल्हे, तो वही सास ससुर के पैर छूता है। ये क्या अर्थ है, ये क्या उल्टी गंगा है, आपने सोचा कभी? कल तो आप उसके पैर धो रहे थे दूल्हे के, क्यों जी? दूल्हे के पैर धोते हैं कि नहीं हमारे? कल तो हम पैर धो रहे हैं दूल्हे के, आज आज दूल्हे हमारे पैर छू रहे हैं। इसका मतलब ये है, हमारे यहाँ जो भी यज्ञ करता यजमान होता है, हमारे यहाँ जो भी यज्ञ में वर्णित होता है, वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप माना जाता है। विवाह संस्कार में 3 दिन के लिए दूल्हे दुल्हन को भगवत स्वरूप मानते हैं। इसलिए पंडित लोग कन्यादान कराते हैं तो बोलते हैं विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी रूपाम इमाम कन्याम त्वाम संप्रदे। ये मंत्र है कन्यादान का। हाँ, बोले विष्णु रूप के पुरुष को मैं दे रहा हूं, कन्या को लक्ष्मी रूपा को दे रहा हूं। इसलिए हमारे यहाँ वर्ण में भी यज्ञ में भी जो काम होता है ना, यजमान को भी शुद्ध रहना चाहिए। हमारे यज्ञ में फल क्यों नहीं मिलता, अनुष्ठान में फल क्यों नहीं मिलता? यजमान क्या मानते हैं? पंडितों को नहाना चाहिए सुबह, पंडितों को शुद्ध रहना चाहिए। हमने पंडित को बैठा दिया पाठ, अब करता रहे, हम अपने काम को करें, फल नहीं मिलता। हमारे शास्त्र का नियम है, यजमान और यजमान की पत्नी भी यज्ञ में वर्णित हो गए हैं, उन्हें भी उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे वर्णित ब्राह्मण रहते हैं। बल्कि हमारे यहां तो यहां तक लिखा है कर्मकांड में कि एक पितृश्वर यजमान के मुख से भोजन करते हैं, यदि वो शुद्ध नहीं रहता तो पितृश्वर तृप्त नहीं होता और यज्ञ का फल नहीं मिलता। पंडित भी ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम तो पाठ हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अनुशासन करें ना, तो आजकल ये बड़ा गड़बड़ है, पंडित वो अच्छा माना जाता है जो यजमान के अनुकूल काम करे, क्यों जी? सही है कि पंडित प्राय वो ही बढ़िया है। अरे बड़े सीधे हैं साहब, जहाँ सुए जहाँ सो जाए, खवा में जो खा जाए, दे जो ले जाए, वो बड़े सीधे पंडित जी महाराज हैं, बहुत सीधे साधे, ये बहुत बढ़िया। और नियम की बात बताया, बड़ा खुर्रेंट है साहब, अरे उसको कौन बुलावे साहब, क्या सही बात है कि नहीं? पर सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही। अगर ब्राह्मण यजमान से बेवलेगा मीठा तो क्या होगा? धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश हो जाएगा। ये मीठे बोलने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, ये ज्यादा मीठे बोलने वाले ब्राह्मण हैं, ये व्यापारी हैं, ये पंडित कम व्यापारी ज्यादा है। वेद भगवान कहता है ब्राह्मणा संत निर्भया, ब्राह्मण को निर्भय होना चाहिए, चाहे बुरा माने कोई भला माने, पर शास्त्र की आज्ञा का पालन करना और कराना चाहिए। पर प्रिय बोले भयास, ब्राह्मण बेचारा दो तरह प्रिय बोलता है, या तो डर के मारे, हाँ बड़े आदमी है यजमान हमारे, मोटे मोटे यजमान बता, सारे अच्छे अच्छे यजमान लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बिगाड़ो मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो भय के कारण या आशा के मारे कि कल्लो पंडित जी परेशान, साथे दिना तो हमारे चक्कर में फंसोगे, सब देख लेंगे, क्यों सही है कि गलत बात है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, हाँ ब्राह्मण आसन सुंदर भैया, ब्राह्मण को लाभ हो हानि हो वो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण खरा बोलता है सही कहता है यजमान। इसलिए हमारे यहाँ अब तो हमारे यहाँ गुरु आदि पहले पुरोहित होते थे, पुरोहित का मतलब है पुरा अग्रे कृता हितम ये न, जो यजमान का हित आगे करे वो पुरोहित है। हित हित शब्द है ना, हित तो हित माने तो आप जानते हैं, पुर माने आगे, जो यजमान के हित को आगे लेके चलता था वो पुरोहित कहलाता था,
पहले ब्राह्मण पुरोहित लोग थे, यजमान का हित पहले, मेरी प्राप्ति पीछे, यजमान की प्रसन्नता पीछे, यजमान का सुख पीछे, पहले उसका हित देखते। पुरोहित तो होते ही नहीं है, कहां पुरोहित। तो बोले इस समय तू बहन को मार रहा है जब तेरी बहन दुल्हन बनी है, तो क्या करूं। अरे जो बेटा होगा इसे दे देंगे। बहन ने कहा नहीं ऐसा मत करो, मेरे बेटा को मैं नहीं दूंगी। अरे वसुदेव ने कहा बेटा देने की कह दो, अभी बहुत विकल्प है, क्या पता तुम्हारा बेटा बेटी हो ना हो, क्या पता ये भी विकल्प है, या ये भी विकल्प है कि तेरा बेटा हो जब तक ये खुद ही मर जाए, या ये भी संभव है कोई और आदमी इसको मार दे, और ये भी तो संभव है कि तुम्हारा बेटा इसको मारने वाला हो जाए, इसलिए ये अच्छा विकल्प है। अरे कंस से कहा, बोले महाराज मैं तुम्हें बेटों को दे दूंगा। बेचारे दुखी होकर चले गए, भगवान से प्रार्थना की महाराज बालक का जन्म नहीं होना चाहिए। कीर्तिमंतम प्रथम अजम कंसाया नकदुंदुभिः। सुखदेव जी कहने लगे राजन कीर्तिमान नाम का बालक हुआ, झूठ बोलने से बड़ा डरते थे। वसुदेव जी कपड़े में लपेट कर कंस के यहां ले गए। ले महाराज, बोले मैं इसे नहीं लूंगा। क्यों? जो ही बालक को खोल के देखा, गौर वर्ण का बालक, भांजा लगता था और भगवान का रूप था। बोले इससे मुझे डर नहीं है, ले जाओ। अरे आत्मा बालक काल है, ये थोड़ी है। लेकर के वापस जा रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद जी का नियम है क्या, पापियों से पाप बढ़ाने की बात करते हैं, और समझदार आदमी क्या करते हैं मालूम है, हा? बोली से मार देते हैं, गोली से नहीं मारते। गमार होते हैं वो दूसरे को गोली से मारते हैं, और होशियार तो गोली से मार देते हैं। क्यों जी, हा? अगर किसी का पतन कराना हो तो गलत सलाह दे दो, खूब प्रेम करो और सलाह से ही मार दो। नारद जी तो बड़े चतुर हैं साहब। अरे बोले तुम बालक को क्यों लौटा रहे हो। बोले आठवां बालक काल है महाराज, तो आठ सुपारी रखती गोलाकार, कौन सा आठवां है पता नहीं। अरे बैरी को छोटा ना समझो, मारो। हाँ अगर किसी का भला चाहते हो तो सदाचार की शिक्षा दो, यदि किसी का बुरा चाहते हो तो बुरा काम करने की शिक्षा देते रहो, अपने आप बढ़ जाए। बुलाया पहला बालक को मारा, छह बालक मार दिए, सातवें बालक के रूप में बलराम आए। भगवान ने कहा काम देने वाले हैं। भगवान ने बलदाव जी को योग माया सिखा, तुम इनके गर्भ में से लेकर के रोहिणी के गर्भ में रख दीजिए, क्योंकि जो अन्य पत्नियां थी वसुदेव की वो दूर दूर रह रही थी, जहां था नंद के यहाँ रह रही है उसके यहाँ पहुंचा दो। इसके लिए नंद के पास पहुंचाया। ये अब भगवान भगवान गर्भ में पधारे, वैसे करी गर्भ में भगवान नहीं पधारते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। भगवान का प्राकट्य हुआ। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद के बेटा नहीं हुआ, जाताह्लाद, आह्लाद माने प्रसन्नता का जन्म हुआ। आपके हृदय में भी भगवान का जन्म हो सकता है। कब? जब आपके हृदय में आह्लाद होगा। आह्लाद माने प्रसन्नता, भाई आनंदम ब्रह्म। आपने पहले दिन सुना, देखिए आप पहले दिन की कथा से मेल खिलाइए। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आनंद। और यहां भगवान कहते हैं हाँ जाता आह्लादो, आनंद का जन्म हुआ। ऐसा आनंद बिना किसी कारण के हृदय में हिलोर उठने लगी, प्रेम उत्पन्न होने लगा। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बाबा नंद ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी क्या करना चाहिए, भैया पूजन करो भगवान का। देवी देवता बना करके भगवान का पूजन करवाया गया, दान दक्षिणा दी गई, गैयाओं का दान किया, सात बड़े बड़े पहाड़ बना करके सात ब्राह्मणों को दान किया। सौमंगल्य गिरो विप्रहा सूतमागत बंदिनहा, वेद मंत्र ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, सूतमागत बंदी लोग ये सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब गोपियां सामान ले ले करके भगवान की बधाई करने आ रही हैं। गोपियों का वर्णन, ये गोपी कौन है, ये गोपी भगवान की
परम भक्त देवियां हैं। वो प्यासा मृष्ट मणिकुण डलन इसका घंटा पत्पताम्बरा पद शिखाच्युत माल्य वर्ष नंदालयं सबलया व्रजति बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी कह रहे हैं गोपियों ने स्नान किया, नए नए कपड़े पहने, चंदन लगाया, अपने जूड़ा में पुष्पों की माला लटकाई, हाथ में बधाई का सामान लेकर के झुंड बना कर जा रही हैं। गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्क चितरांबरा पति शिखा च्युत बाल्य वर्ष। जब गोपियां भागती भागती जा रही हैं, उनके फूलों से चमेली का पुष्प गिरता जा रहा है, मानो भगवान के स्वागत में पुष्प वृष्टि कर रही हैं। सभी गोपियां बहुत सुंदर लग रही थी, पर भागवत में लिखते हैं सभी गोपियों के बीच में ब्रजती बिरेजु व्यालोल कुंडल पयो धर हार शोभा। और गोपियां तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर एक गोपी बहुत सुंदर लग रही थी, ये कौन है? राधा रानी। भगवान कृष्ण के अवतार में राधा रानी भी पधारी। अब मन में आता है कि राधा रानी कृष्ण के में कैसे पधारी? पहली बात तो यह कि 11.5 महीना बड़ी है राधा रानी, पहली बात। दूसरी बात, आपने रामायण में पढ़ी है भोले बाबा के विवाह में गणेश जी का पूजन ब्राह्मणों ने करवाया, तो भोले बाबा का विवाह हो रहा है तो गणेश जी की पूजा कहां से हो गई? तो वह रामायण में कहा है कि देवता अनादि हैं, देवता सदा रहने वाले हैं, देवता कोई जन्म थोड़ी लेते हैं, ये तो केवल अवतार भगवान का होता है। तो राधा रानी सबके बीच में आई और दिव्य देवता वस्त्र पहन पहन करके घूम रहे हैं। अबाजंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, बड़े विचित्र विचित्र देवता लोग बाजे बजा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। माता बहने क्या आशीर्वाद में ये देते हैं कि भैया मौज करे, लड़का बड़ा हो, बालक तुम्हारा लंबी उम्र का हो, ये आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? ये तो देवी देवताएं जान रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, हम आशीर्वाद कैसे दें? बोलो तो ये क्या कह रहे हैं? ताया शिष प्रियुंजाना चिरम पाहीति बालक। हे मैया, तुम्हारो बेटा हमारा बहुत दिन तक रक्षा करता रहे, हमारी रक्षा बहुत दिन तक रक्षा करता रहे, बहुत दिन तक हम सनाथ बने रहे। आए मांगने वाले भगवान क्या आ गए हैं, सब मांग लगे, क्या मांग रहे हैं? हाथी दीना, घोड़ा दीना और दीनी पालकी। तो क्यों जी, मांगने वाले थे क्या? मांगने यहाँ आए थे? कोई आटा दाल मांगने वाले तो हाथी घोड़ा मांगेंगे नहीं, पालकी मांगेंगे नहीं। तो इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए, दिग्पाल आए, अग्नि देवता आए, यमराज आए, सबने कहा हमें घोड़ा दो, हमें हाथी दो। तो मैया ने इनके लिए हाथी घोड़ा दिया बाबा ने, ये कोई मांगने वाले नहीं थे, ये लोग तो देवता लोग। सभी समय शुद्ध हो गया, शीतल वन सुगंध हवा चलने लगी है, महाराज बहुत आनंद आ रहा है। अब ये नंदोत्सव भागवत में केवल 18 श्लोकों में लिखा हुआ है। तथा नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणई रमाकीर्णम भूमिप। हे राजन, जादना से लाला का जन्म हुआ, कल्प वृक्ष आ गया, कामधेनु गाय आ गई, देवता लोग आ गए, जो मांग रहे हैं वही मिल रहा है, आश्चर्य दिलाने वाला ब्रज हो गया। 18 अध्याय 18 श्लोकों में नंदोत्सव है। क्यों? गोपाल मंत्र में 18 अक्षर हैं, एक कारण। दूसरा कारण, 18 में एक एक का अंक होता है और एक 8 का अंक होता है। गीता में लिखा है भिन्ना प्रकृति रिष्टधा, प्रकृति है 8, हमारे शरीर में प्रकृति 8 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और चित्त, भिन्ना प्रकृति रिष्टधा। आज प्रकृति का आंख है 8 और एक है ब्रह्म का, आज ब्रह्म प्रकृति में आया है, आज निराकार ब्रह्म प्रकृति से अलग होकर साकार आया है, इसलिए 18 अंकों में भागवत जीवन नंदोत्सव कहा। पर गर्ग संहिता में लिख दें 6 महीने तक नंदोत्सव होता रहा, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ राजा कंस के मन में दुख हो रहा है।
कंस ने कहा कोई ना कोई विघ्न करो भैया, एक राक्षसी उसके द्वारा भेजी गई है। कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचराचार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिषु। एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना कौन है? पूतना शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में पूतः पवित्रः नास्ति सा पूतना। जो हमारे मन की अपवित्रता है वही पूतना है। हमारे जीवन की अपवित्रता कम समाप्त होगी जब भगवान का अवतार होगा। और वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी टीका में लिखा पूतना कामना है। जो ही हृदय में नंदोत्सव होगा, हृदय में भगवान का अवतार आपके में होगा, तो पहले पूतना आवेगी, पहले कामना आवेगी। कृष्णावतार होना माने हृदय में भगवान के प्रेम का अवतार होना। और जो ही भगवान की तरफ आपका ध्यान गया, पहले पूतना माने कामना आएगी। मंदिर में खड़े हुए और 10 मिनट खड़े नहीं हुए मंदिर में, और 25 मांगवे की लिस्ट दे दी भगवान को, ये देना महाराज, वो देना महाराज, ये देना। भगवान कह रहा है तुम मेरे मंदिर में खड़ा है कि वहां खड़ा है? आप बद्रीनारायण गए, बड़ा सुंदर दिव्य धाम है, दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मेरे बेटे के लिए ध्यान रखना, तो ध्यान बेटा में है कि मंदिर में है? हम मंदिर में खड़े हैं पर ध्यान मंदिर में नहीं है। क्यों? जो पूतना है वो पूतना जबरदस्ती भगवान को हरण करके ले जाती है। पंडित जी ने ज्यादा पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, पाठ पूजा शुरू किए, और जजमानों की लाइन लगी, पोथी बंध गई और जजमान ध्यान में आने लगे। बाबा ने माला फेरना शुरू किया और चेलों की लाइन लगने लगी, अब माला बांध दी और चेलों की गिनती शुरू हो गई। हाँ, व्यापारी जी रोज मंगला जाने लगे, फैक्ट्री चलने लगी, अब जाना आना बंद हो गया। नेताजी ने शुरू किया भगवान का दर्शन पूजन, अब हो गए पद पर आरूढ़, अब आना जाना बंद है। क्यों? यही तो मिलता, ये पूतना है। भगवान की ओर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आएगी पूतना। पूतना माने कामना। जो इसे पूतना से हट जाएगा वो भगवान को पाएगा। और ले कैसे गई है? जबरदस्ती। पूतना भगवान के पास आई। आज राजा लाला की उम्र 6 दिन की हो गई है। मैया छठी की रात जगा रही है। आज देवता भाग्य में भाग्य रेखा लिखेंगे, झूला में झूल रहे कन्हैया। पूतना बोली मैया बधाई है, बधाई है, बधाई है। अरे यशोदा दौड़ कर आई, तू कहाँ की रहवे वाली भाई, तू कौन है? मैं मथुरा से आई हूँ, मैंने मथुरा में सुनी तेरे लाला भाई हुए। यशोदा ने कहा वो झूला में झूल लो, आशीर्वाद दे जा, मैं तो मेरे काम में लग रही हूँ। देखो कितनी भोली भाली मैया है, 6 दिन के बालक को अनजान गोपी के लिए दे रही है। मैयाओं का नियम होता है अपना बेटा बड़ा हो जब तक 2 महीना तक तो नाखून नहीं देखने पड़ोसिन को, कहा पता नजर लग जाए। लेकिन भगवान किसके घर आएंगे? जो नंद होगा और यशोदा होगा। नंद का मतलब है नंदेति आनंदेति प्रसन्नेति लोकान इति नंदः। जो सबको प्रसन्न रखता है वो नंद है, और यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है। सबको यश दो और आप यश से दूर रहो। हमारी बुद्धि में क्या है? साहब हाँ, मेरी योजना देगी आपने, हम कितने होशियार हैं, देखो हमारे द्वारा कितना बड़ा काम हो रहा है। हाँ, भगवान भाग गया, तू ही कर भैया। भगवान को बुलाना है तो मन को बनाना पड़ेगा नंद। नंद माने औरों को प्रसन्नता देने वाला, और बुद्धि को बनाना पड़ेगा यशोदा। देखो ना, छेदना के लाला जी का जाओ आशीर्वाद दे दो, ये बालक को लेकर भाग कर गई है महाराज। एक कंस का बगीचा था 6 महीने का, वहां दूध पिलाने लगी। बनके तो बड़ी सुंदर आई है, पर अपने बक्के स्थल में जहर लगा के लाई है कि मैं भगवान को मार दूंगी। यानी जहर पिलाया भगवान को, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जो ही पूतना आई, हाँ क्या देखा? विदुद्धताम बाल कमारी का गृह चरा चरात्मा सन मिलते क्षण। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसके 36 कारण हैं। पूतना को देखे भगवान नेत्र बंद क्यों कर रहे हैं साहब? पहला कारण तो ये है कि भगवान ने कहा मैं अगर इसको देखूंगा तो ये मेरे रूप पर मुग्ध हो जाएगी और मेरा भजन करने लगेगी, तो मामा का एक खिलौना आया है, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अथवा
भगवान ने कहा जिसको मैं देख लेता हूं वो पवित्र हो जाता है। तुलसी कहते हैं सन मुख हो ही जीव मोहि दवहि, सन मुख हो ही जीव मोहि दवहि, जन्म कोट अघदास तवहि, जन्म कोट अघनास तवहि, सन मुख हो भगवान बोले सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। जीव मेरे सामने जब खड़ा हो जाता है, जब आप मंदिर के सामने विग्रह के सामने खड़े हो जाते हैं तो जन्म कोट अघ नाशे तवहि, करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त। भगवान ने कहा मेरे सामने पूतना आ गई और मैंने पूतना को देखा तो आके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने कहा आंखें मंद कर ली। अथवा भगवान के नेत्रों में प्रेम है। बिहारी ने लिखा है भगवान के नेत्रों में तीन रंग हैं, अम यह लाहल मदभरे और श्वेत श्याम रत्नार, जियत अमरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। भगवान के नेत्रों में एक सफेद रंग है, एक काला रंग है, बीच में लाल हीरा है। जो सफेद है वो अमृत है, जो काला है वो विष है, और जो लाल है वो मदिरा है। हम यह लाहल मदभरे और श्वेत श्याम रत्नार, जियत अमरत झुक झुक परत। सफेदी देख ली वो जीता है, कालिमा देख ली वो मर जाता है, और लालिमा देखी वो झुक झुक परत जी चितवत एक बार। भगवान ने कहा ये मेरी भक्त हो जाएगी, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बालक को लेकर गई, भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा पी गए इसके विष का पान कर गए भगवान भोलेनाथ। अब ये आप पीने लगे प्राणों को दूधों के साथ। जब प्राण निकलने लगे तो बोले सामुंचा मुंचा लमिति प्रभाषिणी, अरे लला छोड़ियो, लला छोड़ियो, मेरे प्राण निकल रहे, लला छोड़ियो। पूतना बोली मेरी मैया ने तो पकड़ वही सिखाया, छोड़ वही सिखाया ही नहीं। ये छोड़ना तो दुनिया वालों से सीख लो, हाँ जिसको अपना बनाते हैं उसे छोड़ देते हैं काम बना, मैं जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं। छोड़ने का काम दुनिया वालों से सीख भाई, मेरे से छोड़ना मत सीखे, मैं जिसका अपना हूँ उसका अपना। तो भगवान अब प्राण निकलने लगे। अथवा विद्वान लोग यूं कहते हैं सामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी, जो ही भगवान को गोद में लिया पूतना को ज्ञान हो गया। क्यों जी, भगवान को गोद में लेगा उसको ज्ञान नहीं होगा क्या? अरे दर्शन करने से ही ज्ञान हो जाता है, और गोद में गोविंद को लेगी तो ज्ञान नहीं होगा? जो ही भगवान को गोद में लिया ये ज्ञानी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी सामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी, अरे लाला मेरे जन्म मरण के मुक्ति को कर दो, मेरी मुक्ति कर दो, मुक्ति कर दो, मेरा मोक्ष कर दो, अब तो मैं मरना जीना नहीं चाहती। अरे पूतना, भगवान बोले लेवे गतिम धा तुचिताम ततुन्यम, चिंता मत करे पूतना, मैं तुझे उसी लोक को भेजूंगा जहां मेरी जसोदा मैया जाएगी, चाहे झूठे ही सही तेने मुझे दूध पिलाया, तू मेरी माँ हो गई है। जो ही माँ शब्द सुना पूतना के मुख से, पूतना ने ठाकुर के मुख से बोली महाराज मुझे स्वर्ग भी मत भेजो, एक बार और मुझसे माँ कह दो, तेरे मुख से माँ कितना अच्छा लगता है, कौन बड़भागिनी होगी नारी जो तेरी माँ बनेगी, तू मुझे माँ कह। भगवान ने मुस्कुरा के कहा माँ, पूतना धन्य धन्य हो गई।
जो ही इस कथा को सुना सुखदेव जी ने, सोई सुखदेव जो महात्मा सुखदेव थे वो भगवान के भक्त हो गए। यही श्लोक सुना था सुखदेव जी ने। अहो वकीयं सन कालकूटम जिघांसया प्याय दत्प्यसाध्वी। हे नाथ, इतनी बड़ी भारी पूतना पापी है कि हम तुम सब मिलकर के पाप करें तो नहीं कर सकते। क्यों? बाल घातनी रुधिरासना, ये बच्चों को मार देती थी और बच्चों के खून को पी जाती थी। भला बच्चों को मारने वाली पूतना को मां के लोक को भेज दिया, सोई कहा बोले ऐसा दयालु का अवतार हो गया दुनिया में, अब निर्गुण ब्रह्म को लेकर क्या करूंगा, जो छोड़ करके सारे वैराग्य को और भगवान की कथा में आ गए। सुखदेव को इसी श्लोक ने आकर्षित किया। रामायण में तालिका का जब वध किया भगवान ने, हाँ, राम जी ने जब तालिका का वध किया और तालिका के लिए विमान जब आया बैठने को, तो विश्वामित्र जी ने सारी विद्याओं को उठाकर राम जी के चरणों में पटक दिया, सब विद्या मेरी बेकार है। क्यों? अरे जब तालिका को ही तार देते हो नाथ, तो विद्या लेके क्या करूंगा, तेरी शरण ही आऊंगा मैं। भाई ज्ञानियों का मुख्य तो ज्ञान से हो जाएगा, पर भक्तों का कैसे होगा, पापियों का कैसे होगा, तो तू ही तो करेगा। तो सुखदेव पूतना के उद्धार को देखकर भगवान के भक्त हो। भगवान ने कहा तू मेरी मैया है। जय जयकार होने लगा। देवता ने कहा प्रभु बहुत दया है, पर मैया दौड़कर आई, लला कहाँ है, गोमूत्र से स्नान कराया। आहा, भगवान शुद्ध कैसे होते हैं, गोमूत्र स्ना पृत्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गोमूत्र से स्नान करवाया, बहुत दिव्य। आहा, बड़ी प्रसन्नता है। हमारी कथा में महाराज वेदांती जी महाराज धोघटा से पधारे हैं, धोघटा वाले महाराज जी आप बड़े अद्भुत संत, और आपने बड़ी कृपा की है यहाँ पधार कर। सुखदेव जी ने कहा राजन, पूतना के उद्धार को सुनकर के सुखदेव जी का वैराग्य नष्ट हो गया और भक्ति रस का पाग चढ़ गया। तालिका के उद्धार को देख सुनकर विश्वामित्र ने सारी विद्याओं का त्याग कर दिया, और अघासुर के वध को देख करके ब्रह्मा की बुद्धि विपरीत हो गई। हाँ, अघासुर को भगवान ने जब मारा तो ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान के पापियों का उद्धार कर रहा है। ये देखिए, ये भगवान की भक्त वत्सलता भक्तों को आकृष्ट करती है, पापियों को उद्धार करना ये भगवान का काम है। अरे भक्त लोग तो अपने भक्ति से तर जाएंगे, भगवान का आना तो पापियों के उद्धार के लिए होता है। हाँ, धर्मात्मा के उद्धार के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार तो पापियों के उद्धार के लिए होता है। यदि साकार नहीं आएगा तो उनका पाप नष्ट कैसे होगा। भगवान जब उनको दर्शन देते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, लाला को गोमूत्र से स्नान करवाया। भगवान भी शुद्ध किससे होते हैं, गोमूत्र से। गोमूत्र स्नापयित्वा मैया ने गैया की धूल लगाई, चरणों की धूल लाला से लगाई और गैया के पूंछ से झारा लगाने लगी। जाके घर में गैया बंधी है ना, उसे किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी संपत्ति का खजाना और सारी विपत्तियों का निराकरण गैया के अंदर है। हाँ, गाय में सारे देवता 33 को ले आए, मैया पास मिलाई। वसुदेव जी नंद जी से मिलने गए थे जेल में, भैया यहाँ नहीं रहना चाहिए तुम्हें, उत्पात हो सकता है। लौटकर वसुदेव जी आए तो पूतना पड़ी है 6 कोस के बगीचा में, बगीचा गिरते उड़ते टूटता पड़ा है। बाबा ने पूछा, नंद बाबा ने, लाला ये कोने मारी है राख कैसी। लाला बाबा तुम्हारे लाला ने मारी है। बाबा ने कहा सब दुनिया की झूठ यही गांव में आ गई। कहा 6 दिना को भयो नहीं है बाल गया, कैसे मारो, बोले बड़ी जोर से पछाड़ी, हम सब देख रहे थे। चलो यहां में अग्नि लगाओ, अग्नि जलाई तो ऐसी सुगंधि आई जैसी चंदन में से आती है। भगवान स्पर्श जिसका हो गया वो तो दिव्य ही हो जाता है। अरे पारस से छूने के बाद लोहा चाहे शुद्ध हो या लोहा अशुद्ध हो, लेकिन वो सोना ही बन जाता है। गोपाल से छूने के बाद चाहे पापी हो कि पुण्यात्मा हो, अपिचे सदुराचार, वो भगवान का भक्त ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। 3 महीने के लाला ने करवट बदली और बैठे हो गए।
प्रायः लड़के 6 महीने से पहले बैठे नहीं होते। नंद बाबा ने कहा, यशोदा जी, हाँ, बोले आज तो लाला ने औत्थानिक करवट बदली है, क्या करना चाहिए, पूछो ब्राह्मणों को, पूछो ब्रजवासियों को। और ब्रजवासियां गोपियां तो बहाना ढूंढती हैं उत्सव का। हाँ, लाला को छींक आ गई तो छींको उत्सव, लाला को हंसी आ गई तो हसनोत्सव, लाला रोने लगे तो रुदनोत्सव, लाला चलने लगे तो चलनोत्सव, लाला बोलने लगे तो ये उत्सव, और लाला लोटपोट हो गए तो लोटपोट उत्सव। अर्थात जिसके जीवन में भगवान होता है उसका प्रत्येक जीवन का कर्म उत्सव हो जाता है, जिसके हृदय में ठाकुर आ जाता है उसके हृदय में समस्त कर्म उत्सव हो जाते हैं। वहां जो बुरा कर्म भी है, जो दुख का कर्म भी है, वो भी उत्सव हो जाता है। और जो भगवान के विमुख हैं, चाहे कितने ही बड़े हों, उनके जीवन में शोक आ जाता है, वो शोक में डूबे रहते हैं। क्या करें, बोले लाला ने करवट बदली है, साफ जमुना किनारे चलो, वहीं सब ब्रजवासियों का भोजन होगा, मैया सामान लेके ब्रजवासियों का भोजन करा रही है। और लाला को गाड़ी में झूला में नीचे लटका दिया, गाड़ी के नीचे तो झूला में कन्हैया लटकायो, ऊपर मटकी दूध दही सामान धर दियो। भगवान ने कहा, मैया उपासना में ये उल्टा काम हो रहा है, ये गाड़ी क्या है, ये गृहस्थी रूपी गाड़ी है, आगे पास सकटासुर आके बैठा, ये गृहस्थी रूपी गाड़ी है, यदि गृहस्थी की गाड़ी हो जाएगी ऊपर और भगवान हो जाएगा नीचे तो गाड़ी पलट जाएगी। और हमारे जीवन में यही होता है। हाँ, बेटे की शादी करी है, बड़े बड़े पकवान बनाए हैं, बेटे की शादी में बहुत बढ़िया रसोई बनाई है और बड़ा धूमधाम हो रहा है, बड़ी दुनिया आ रही है जा रही है, पर भगवान को भूल गए, भोग लगाना भूल गए, भोजन चालू हो गया। भगवान अगर नीचे हो जाएगा, गृहस्थी अगर ऊपर हो जाएगी तो सकटासुर गृहस्थी की गाड़ी को पलट देगा। नहीं नहीं, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए, पर भगवान को अर्पित करके। हाँ, तुलसी ने कहा है, तुम्हे निवेदित भोजन करहि, तुम्हे निवेदित भोजन करहि, तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तब प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हे हृदय में भगवान रहते हैं, किनकी गाड़ी नहीं पलटती है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, तब प्रसाद पट भूषण धरहीं, साड़ी लाई है राधा रानी को पहना दो, हार बनवाया सोने का हमें पहनना है, राधा रानी को पहना के प्रसाद ले लो। अपने लिए भोजन बना के खाता है वो पाप खाता है, भगवान के लिए भोजन लगा के खाता है वो पुण्य खाता है। भुजन्ते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण, जो अपने लिए भोजन बना के खाता है वो पाप खाता है, और जो भगवान को अर्पित खा करके खाता है वो पुण्य खाता है। गाड़ी में भगवान नीचे लटक गए और गाड़ी में सामान ऊपर आ गया, सकटासुर ने आकर गाड़ी के पास बैठा, भगवान ने लंबा पाम किया, गाड़ी को पलट दिया, धड़ाम से दूध दही मटके गिर गए, सकटासुर मर गया। ये क्या हुआ? अब मैया घबराई, दूध दही मटका सामान कहाँ, सब फैल गया, एक राक्षस पसरता हुआ मिला है। मैया ने कहा, छोरा ये कोने गाढ़ा पलटो है, बालक क्या कहते हैं, अरे रुदता ने न पा देना क्षिप्त में तन संशय, ओ मैया तेरे लाला ने पहले तो रोयो फिर हाफ एक पैर लंबो करो और गाड़ी को पलटा, लंबा पाए किया,
मेरे लाला ने लंबो पाए करो, हाँ हे भगवान मेरे बाल लाला गोपाल लंबो छोटो न है जाए, मैया रस्सी ला के दुख पान ना पर ये कौन सो लंबो भयो कौन सो छोटो भयो। और बालक अंदे पूछे कलाला कौन सो पायो, बोले ये तो ध्यान नहीं है पर रुतता ने न पा दे न क्षिप्त मेतन न संशया, जाने पाए लंबो करो। अर्थात भगवान की शरणागति रहकर ग्रस्त का कर्म करिए, वही आपके जीवन में उत्सव हो जाएगा, आपका प्रतिक्षण जीवन गृहस्थी उत्सव हो जाएगा। और ठाकुर जी को भूल करके उत्सव भी करेंगे तो वह शोक हो जाएगा। अब लाला बड़े हो गए हैं, एक बार भगवान दूध पी रहे थे मैया की गोद में, एक राक्षस आया तृणावर्त नाम का, आंधी आई कंस राजा ने भेजी आंधी। भगवान मैया की गोद में दूध पी रहे थे, ये आंधी कौन है महाराज, ये धर्म का पाखंड है, हमारे जीवन में धर्म में जो पाखंड है ये आंधी है। जब हम भगवान की ओर चलेंगे तो हमारे सामने धर्म की ओर चलेंगे तो पाखंड बहुत आएंगे। आंधी कैसी है कि सबकी आंखें बंद हो गई, सबकी आंखें किरकिरी हो गई, देखना बंद हो गया, किवाड़ खटखट होने लगे। और मैया लाला को गोद में लेके झूला में धर्वोचारी गोद में से उठा नहीं पाई, क्यों वजन है गो ज्यादा। मैया के मन में तो आई कि यूं कह दूं गोपी से कि सुनो गोपिया हमारा लाला कितना मोटो है गो कि हम उठा ना पा रहे। पर मैया ने सोची अगर मैं मोटे की कहूंगी तो कापा तो गोपी कोई नजर ही लगा दे। मैया ने को नियम होए बेटा जाए कितना मोटो मलंगा होए, पर यूं कैसे सूखो से डरो, कभी मैया यूं कहेगी कि नहीं कि मोटा हो गया है। हाँ बल्कि आजकल तो बच्चों में बीमारी हो रही है, मोटे होते जा रहे हैं, माँ बाप से कह दो तो नाराज हो जाते है, नजर लगावे गो का। मैया ने रख दिया और ये आंधी उड़ाकर भगवान को ले गई। बंधुओं धर्म में पाखंड बहुत है, धार्मिक बंधुओं को सावधान होना चाहिए, भगवान की ओर जाने वालों को पाखंडियों से बचना चाहिए। धर्म केवल वैदिक धर्म है, धर्म केवल सनातन धर्म है, हमारे धर्म में पाखंड ज्यादा है। और ये बड़े बड़े ज्ञानियों की भी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यहाँ बड़े बड़े संत विराजमान हैं, अत्र बहवा व्याकरणाचार्य आपि समुपस्थिता सन्ति, ये भागवतस्य विशिष्ट ज्ञानं प्रदानं कुर्वन्ति तेऽपि अत्र उपस्थिता सन्ति। अत्र निवेदनं करोमि ये जना धार्मिकाः सन्ति तेषां एकां भावनां ज्ञात्वा एव धार्मिक जनाः तस्य लाभान्विताः भवन्ति। धार्मिक लोगों की एक कमजोरी हम धार्मिक पंडितों ने जान ली है, धर्म के नेताओं ने जान ली है, शायद मैं गलत न हूं, गलत निकल जाए तो क्षमा करिएगा, ये मेरा परिवार है, मैं मेरे मन की बात कह रहा हूं। धार्मिक लोगों की भावना को धर्म को चलाने वालों ने कमजोरी को जान लिया है कि ये कामना से बंध करके धर्म करती हैं। यदि इनको ऐसे भगवान की प्रस्तुति कर दो जो काम को जल्दी सिद्ध कर देगा तो ये जल्दी उसी भगवान को मानने लगेंगे। ऐसा भगवान बताइए कि जल्दी काम सिद्ध होगा, आप उसके पीछे उलेंगे, सही है कि नहीं। भगवान भी वही अच्छा है हमारे आपके लिए जो काम सिद्ध करे। इस कमजोरी को धार्मिक पाखंडियों ने पहचान लिया है। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बड़ी आप लोग क्षमा करेंगे, अगर कोई यूं कह दे हमसे आकर के तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तुम एक महीने तक रावण की पूजा कर लो और एक महीने के बाद तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तो गारंटी है पूजा करने सब तैयार है कि नहीं है, आप बताइए, सच्ची बात बताओ। अरे हमें राम से कह लेने दो, अगर एक महीना में रावण की पूजा से नौकरी लगे तो कर लो ना महाराज। धार्मिकता में एक सबसे बड़ा दोष है पूतना का, कामना का। हम भगवान को भी उसी को अच्छा मानते हैं जो काम सिद्ध कर दे, वो भगवान अच्छा, काम सिद्ध नहीं करे वो भगवान किसी काम का नहीं। इस बात को समझ गए धार्मिक लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे पंथ मार्ग, ऐसे ऐसे देवता, ऐसे ऐसे उपासनाएं बता दी कि व्यक्तियों को तू मेरी तरफ आके देख तेरी झोली भर दूंगा। हमारा मन संसार की ओर जाता है। अब ऐसा कोई भगवान मिल जाए कि पकड़ के ले जाए तो कैसा रहे, तो वो भगवान कौन है। कर्ष्यति भक्तानां हृदयम्, भक्तों को अपनी ओर जबरन खींच लेता है, इसलिए कृष्ण का नाम बहुत मधुर है। अथवा कृष्ण शब्द का अर्थ है साहब ककार कमलाकांतः, के का मतलब है कमलापति विष्णु, रकारो राम इत्यपि, क में जो रे है
उसका अर्थ राम भी यही है। सकार सड़गुणपति आधा शह, जिसका मतलब है छह गुण वाला। नकार नार सिंहोयम, ने का मतलब है ये नरसिंह है, और दो विसर्गों का नाम मतलब है नर नारायण है, सब देवता इसमें, इसलिए इसका नाम। और एक अर्थ बहुत अच्छा है, आपको निवेदन किया, एक अर्थ बहुत अच्छा है। क्या? शंकराचार्य जी ने लिखा है एक जगह कि यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष, और यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग। भाई जो गृहस्थी भोग में लगे हैं, जो गृहस्थी भोग भोग रहे हैं, मौज मस्ती में रह रहे हैं, खूब परिवार में खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, खूब मौज में भोग भोग रहे हैं, नहीं तत्र मोक्ष, उनको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। सुन लियो आप, शंकराचार्य कहते हैं और यत्रास्ति मोक्ष नहीं तत्र भोग, और जिन साधु सन्यासियों की मोक्ष होने वाली है उनको भोग नहीं मिलता है। देख लो महात्माओं की क्या हालत है, कोई भोग की सामग्री है? शंकराचार्य जी कहते हैं यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष, जहां भोग है वह मोक्ष नहीं है, और यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग, जिनको मोक्ष मिलेगा उनको भोग नहीं मिलेगा। अब मर गए हम तो खूब कल्लो कथा, अब क्या करें, वो तो शंकराचार्य जी तो भगवान शंकर के बता रहे हैं। अब ऐसा कोई भगवान मिल जाए आपको कि भोग भी दे दे और मोक्ष भी दे दे तो कैसा रहे, क्यों जी अच्छा रहेगा ना। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषि भू वाचको शब्द नश्च निवृति वाचक तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते। कृष्ण का मतलब है भूमि, ने का अर्थ है परलोक, जो धरती का भोग भी दे और मोक्ष भी दे दे, ऐसे भगवान का नाम कृष्ण है। भोग भी लीजिए और मोक्ष भी लीजिए, हाँ दुनिया में भोग भी भोगो और मोक्ष भी भोगो। कल आपको नवदा भक्ति का निवेदन किया प्रहलाद ने, उसमें गृहस्थी भी भक्त थे, उसमें विरक्त भी भक्त थे। नवदा भक्ति जिसके जीवन में एक भी आ जाएगी तो भोग भी करिए और मोक्ष भी करिए। जो कृष्ण शरणागति हो जाता है उसकी बुद्धि भोग में जाती नहीं है। अच्छा एक बात मैं निवेदन कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, शास्त्र में लिखी है कि भगवान का भजन करो, सबको छोड़ करके जंगल चले जाओ, यही लिखा है ना। और ध्रुव ने भगवान को पा लिया तो भी विवाह करके गृहस्थी भोगी, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह का दर्शन कर लिया तो भी राजा बना गृहस्थी भोगी। हमसे कहते हैं बाबा जी बन जाओ, हमसे कहते हैं भगवान घर छोड़ के गृहस्थी को छोड़ के भजन करो जंगल चले जाओ, और अपने भक्तों को गृहस्थी में लगाते हैं, क्या मतलब है इसका? भाई भगवान मिल गए ध्रुव को और फिर भी गृहस्थी में, वो हमसे कहते हैं वनम गतो यद हरिमाश्रये, तो वही प्रहलाद कह रहा वन में जाकर भजन करो, और तुम, हम तो भगवान नरसिंह का दर्शन करके भी विवाह करेंगे, राजा बनेंगे, मौज करेंगे, तुम जंगल जाओ, ये क्या है? वही भागवती, वही ध्रुव प्रहलाद चल बोलो। आहा, भगवान ने कहा भैया भर्जिता कुचिता धान्या प्रायो बीजाय नेष्यति, इसका उदाहरण दिया, जो मेरी शरण आ जाता है, मेरे शरणागत आने वाले के मन में कामना नहीं रहती है, वो नष्ट हो जाती है। जैसे बीज को या भून दिया जाए या गला दिया जाए तो बीज में अंकुर पैदा नहीं होता। आप जानते हैं जैसे चना को भून दो आप भणभूजा से और फिर खेत में बोओगे तो बीज वो अंकुर होगा क्या, बोलो, होगा? जिस बीज को पानी में गला दोगे, उस बीज को अगर जमीन में डालोगे तो बोलो पेड़ अंकुर होगा कि नहीं? नहीं होगा। जैसे भुजे हुए और गले हुए अन्न में अंकुरण नहीं होता, उसी प्रकार जिनका मन मेरे चरणों में लग गया है, वो चाहे गृहस्थी में रहे कि विरक्त में रहे, उनका कल्याण हो जाता है, उनके मन में अंकुर काम का नहीं होता। ये भागवत का सिद्धांत, भर्जिता कुचिता धान्या प्रायो बीजाय निश्यते, भुना हुआ और जला हुआ बीज जैसे अंकुरित नहीं होता, मेरी शरणागति आने के बाद भगवान ने कहा फिर भक्त के लिए मन में कामना पैदा नहीं। ये कृष्ण शब्द का अर्थ, इस लोक का सुख परलोक का सुख देने वाला
ये कृष्ण नाम है। कृष्ण माने पर्टिकुलर वसुदेव का बेटा नहीं है, ये भगवान का ही नाम कृष्ण है। हाँ कहीं ये तो आप नहीं समझ रहे कि राम का नाम नहीं है, राम भी कृष्ण ही है, ये भगवान के नाम है। कहीं ये आप न दीजिए, ये न सोचिए मन में कि राम कृष्ण का कोई अंतर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ नहीं नहीं, राम कृष्ण नहीं, किसी देवता में दूसरा अंतर है ही नहीं। आपसे निवेदन कर दूं, महाराज जी को तो मैंने निवेदन भी किया है, संतों को दिया, मैंने ग्रंथ लिखा है भागवत रसामृतम 500 पेज का, उसमें मैंने ये प्रमाण के साथ लिखा है कि शिवलिंग में शंकर भी है और विष्णु भी है, और शालग्राम में शंकर भी है और विष्णु भी है। शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णुस्य हृदयम् शिव, शिव के हृदय में विष्णु बैठा रहता है और विष्णु के हृदय में शंकर बैठा रहता है, ये मैंने उस ग्रंथ में लिखा है। गायत्री मंत्र के लिए मैंने लिखा है, गायत्री मंत्र निराकार भी है और गायत्री मंत्र साकार भी है। गायत्री में देव शब्द है, भर्गो देवस्य धीमहि, देव शब्द के अर्थ होते हैं 10, देव क्रीड़ा बिजगीसा व्यवहार दुष्स्मृत मोद मद स्वप्न कांति गतिसु, ये साकार में ही हो सकते हैं बाबा, ये निराकार में नहीं हो सकते। गायत्री का उपास्य परमात्मा निराकार भी है, गायत्री जपने वाले निराकार के उपासक भी हैं और गायत्री जपने वाले साकार के उपासक भी हैं, क्योंकि देव शब्द निराकार में नहीं घटता है। देव तो वो है जो क्रीड़ा करे, देव तो वो है जो प्रकाशित हो, देव तो वो है जो चलने वाला है, और निराकार कभी गतिशील नहीं हो सकता, गतिशील तो साकार होता है। तो मेरे निवेदन में ये तो नहीं समझा आपने कि कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं तो राम की बड़ाई है, नहीं नहीं, भगवान कृष्ण का गुण, भगवान का एक गुण कृष्ण है, एक गुण रमण करने वाला राम है, एक भगवान का गुण शिव है, शिवम कल्याणम ददाति। अरे बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, ये भी एक रूप है भगवान। तो ये बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की मैया, बोली ला बाबा कछु लाला की जन्मपत्री में खराब तो नहीं, अच्छी बात तो बहुत है। गर्गाचार जी बोले एक खराबी जरूर है मैया का, अरे कहने लगे तब गर्ग नंद सो सप्तम राहु प्रयोग, या में एक खराबी आ कि साते घर में राहु बैठो है। मैया बोली राहु के तू ना समझू का फल होगो, बोली ये फल होगो कि तेरो लाला चोरी जरूर करेगो। ए भगवान, मैया बाबा बोले ऐसो आशीर्वाद बद, चोरी करेगो, बोले घबरा मत मैया, चंद्रमा की दृष्टि है, चोरी तो करेगो पर पकड़ में कबो नहीं आवेगो। चंद्रमा देख रहे हैं ना, जाकू चंद्रमा देखे, अरे बाबा ऐसा आशीर्वाद मत दो। बोले मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो यार जन्मपत्र में लिख रहे हो है, पंडित जेब में से थोड़ी बताता, वो तो ग्रह बता रही। बड़े प्रसन्न हो गए, आह अब लाला बड़े हो गए। मैया कृष्ण और बलराम दोनों का स्नान कराती है। गौर वर्णीय भगवान कृष्ण बलराम को नीलाम्बर, श्याम वर्णीय भगवान कृष्ण को पीताम्बर, दोनों के चंदन लगाया, दोनों के इत्र लगाया, दोनों के मुकुट बांधा, और एक दिन मैया ने अपने सोने की चौकी पर बिठा दिया लाला, धूल में खेल भी मच गई हूँ। मैया चली गई काम में, कन्हैया ने कही दाऊ जी चल रहे हो धूल में खेले, बोले मैया तो मना कर रही, बोले मैया कहेगी क्या, अरे आनंद लेवे को आए, कोई राजमहल में थोड़ी आए हम लोग। चलो लाला पहले तो धूल में गए, सारे शरीर में धूल लगाई, धूल से भी मन राजी ना भयो, तो मैया को कीचड़ नहावे को पानी जो भरो रहे, वो कीचड़ को कुंडा बड़ो भारी कारो कारो भरो, भरे भरे कुंडा के पास गए और धीरे धीरे गए तो ठंडो ठंडो लगो, हाथ पे छप छप करी, सब शरीर पे कीचड़ उचट गो, और छलांग लगा लाया के ठंडे कीचड़ में नहाने लगे। तब तक मैया आई, अकेलो बलराम बैठो है चौकी पे सोने की पे, कन्हैया कहाँ है, बोले धूल में गए हो खेल में कोई सारो करो। मैया ने जाके देखी तो धूल में तो नहीं हो और कीचड़ में कारे, एक तो श्रीमान जी पहले ही काली का लूटा और ऊपर से लग गया शरीर में कीचड़ जो बड़े भारी विचित्र। आहा मैया नाराज हो गई, अरे पंका विशिक्त सकला वयभम विलोक्य दामोदरम बदति कोप बसाद्य सोदा, पंका विशिक्त सकला वयभम विलोक्य, कीचड़ में सने हुए भगवान को देख करके, हाँ दामोदरम बदति कोप बसाद यशोदा,
गुस्सा में आकर के जसोदा बोली, अरे कन्हैया मैंने तू नवायो दुबायो कपड़ा पहराए, पर तू या नहावे धोवे में राजी नहीं भयो, तू या कीचड़ में राजी भयो लाला, ऐसो लगे कि तुम सू करो शिगत जन मन पूतना रे। लाला तू पूर्व जन्म का सुअर तो नहीं है? ओ कन्हैया ने कही, हाँ मैया मैंने एक बार सुअर का रूप धारण करो है, मैंने हिरण्याक्ष को मारो तो सुअर भी बन गया हो। आ मैया ने कहा, सुअर तू बनियो? मैं तो पुराण में सुनी है पंडितन से कि भगवान विष्णु बनो, तू विष्णु है? भगवान ने कहा, भगवान मत मनो, नहीं मैया भगवान की बड़ी बुरी हालत है सा, हाँ दो अगरबत्ती दिखावेगी मूर्ति पधरा देगी मंदिर में, दो अगरबत्ती दिखा के सांकड़ बंद कर देगी। जितनी या संसार में आज के जमाने में भगवान की दुर्दशा है किसी की नहीं है। पुजारी ने पूछो, पुजारी के कूलर चल रहे और भगवान अंदर बंद है सांकड़ में, और गवर्नमेंट भी इतना कम पैसा देती है, इतना कम पैसा भगवान के लिए बांध रखा है कि भगवान तो छोड़ो पर कोई झांक भी नहीं सकता। सबसे हालत खराब है ना भगवान की आज का। हाँ बामे भी नाबालिग, सुनिया दुनिया को बालिग बनाने वाला नाबालिग है बेचारा, क्या करे। हाँ मैं नहीं, मैं तो आनंद लेने आया हूं। अब मैया ने कीचड़ से लगो छाती से लगा, कौन को बेटा है? मैं तो तेरो बेटा हूँ। जब मैया बाप से तेरो बेटा कहे तो कानन में मिश्री सी घुल जाए, आ बेटा यही के मारे तो या गृहस्थी में और कोई सुख नहीं है, ये बच्चों की तोतली मीठी दो बाली तो है और इसमें है क्या? अरे लाला मैं तो तेरे लिए बलिहार प्रसन्न हो। अब लाला उधम करने लगे हैं नटखट। तावंग्री युग्म मनुकृष्य सरी श्रीपंतौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर दबेश। अरे भगवान विचित्र लीला करते हैं। श्रृंग अग्निदशि जल द्विज कंटकेभ्य, कभी सिंह पर बैठ जाए बछड़ान के पे, बछड़ा खड़े हो जाए सिंह पे आ जाए, अरे उतारो उतारो अग्नि, कभी अग्नि जला के लो लंका दहन कर रहा हूं हटो, लाला जलावे को घरे। श्रृंग अग्निदशि कभी डाल वाले कुत्ता बिल्ले को पकड़ के ले आ, मैं मैया देखियो ये पागल है गोए तू। श्रृंग अग्निदशि असी, इसका दृष्टांत एक बार नींद नहीं आ रही कन्हैया, मैया नींद ना आ रही ने कहानी सुनाइयो, मुझ काम बहुत लग रहा तो कहानी की लग रही, सुना जब ही सोऊंगो। मैया सुना रही एक राम नाम का राजा हुआ, हाँ मैया बाकी पत्नी को नाम हो सीता, हाँ मैया बाकी सौतेली मैया ने बाने बन को भेज दियो, हाँ मैया बाकी पत्नी को रावण हवरण करके ले जा रहा था, हाँ मैया वो चिल्लाई बचाओ बचाओ बचा। मैया कहानी कह रही है, लाला को होश नहीं लगा और जोर से चिल्लाया, क्वासी क्वासी लक्ष्मण मे धनु कुत्रास्त जनकात्मजा, लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण, लाओ मेरी तलवार लाओ मेरा बाण, चिल्ला उठे। मैया ने सोची लाला को कुछ चिल्लाई की बीमारी है गई, काय लाला कहा कह रहे हो? अब श्रीमान ये होश आयो, मैं राम नहीं हूं, मैं तो कृष्ण बन के बैठा हूं। पूरी रात मैया देवता मनाती रही और लाला भीतर रजाई में मुंह धर के मुस्कुराते रहे, गलती मैया की नहीं है, गलती मोपेती है गई। श्रृंग अग्निदशि जल द्विज कंटकेभ्य, द्विज मानी पक्षी, मैया ने पक्षी पाल रखे, तोता मैना कांटे लगा लगा करके चुभावे तो शर्म ना आवे, पक्षी ने दुखी करे। अर्थात दूसरा द्विज का दृष्टांत है, एक ब्राह्मण आए पंडित जी के, पंडित जी आए एक मैया के घर, आओ पंडित जी कहाँ से आयो? मैं बनारस से आया हूँ, धन्य मेरे भाग्य। मैया ने कहा पंडित जी भोजन बनाऊं? जसोदा बोली ना मैं तो एक समय पाता हूँ, शाम को पाता हूँ और स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ। पहले ब्राह्मण लोग ज्यादातर स्वयं पाकी होते थे, हाँ अपने हाथ से बना के खाते थे, दूसरे की हाथ की बनी नहीं खाते थे, उनको कहते थे हमारे यहाँ स्वयं पाकी। इनका शाप और वरदान बड़ी जल्दी लग जाता था, अब स्वयं पाकी नहीं है, अब तो हम लोग होटल पाकी हैं। अब कहां हम लोग स्वयं पाकी, स्वयं पाकी ब्राह्मण है। मैया ने कहा अच्छा तो शाम को बना लीजिए पंडित जी। शाम को ब्राह्मण के लिए चौका भाषण तैयार किया, पंडित जी को सामान रखा, पंडित जी ने भोजन बनाया और भोजन बना के तुलसी दल डालो और धेनु मुद्रा देखा के मंत्र बोलो, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम, हे नारायण कहीं भी हो लेकिन आज प्रसाद पाने आ जाओ। भगवान ने विचार किया, बेचारा मेरे घर में आयो, दिन भर भूखो मरियो भजन करो और मेरे घर आके दर्शन ना करेगा तो ठीक नहीं है। यानी तो नेत्र बंद कर रखे, रेंगते रेंगते कन्हैया गए और भोजन कर भी लग गए, नेत्र खोल के पंडित जी ने देखी, आ ये कैसे आएगा,
मैया हाँ अरे तेरे लाला ले जाइयो क्यों यानी चौका बिगाड़ दियो यानी थाली झूठी कर दी यानी सब भोजन मेरे छू लियो यानी सब गड़बड़ कर दियो झूठो कट्टर। मैया दौड़ के आई और लाला को कान पकड़ के गई, तू क्यों आयो? बोले मारे मत यानी बुलायो। जब आयो कब बुलायो तू? बोले हाँ यानी बुलायो। पंडित जी तुमने बुलायो लाला, मैं काहे को बुलाऊंगा? ये तो मना कर रहा। बोले ये समझ ना, ये झूठ बोल रहा। मैया ने कहा समझे एक हट यहां से चल। पंडित जी चौका खराब है, दोबारा चौका लगाऊंगी, बर्तन मांज के दोबारा बना ना। मैया 9 तो बज रहे हैं रात के, अब दोबारा भोजन बनेगा कैसे कैसे हा? और फिर मैंने दोबारा भोजन बनायो और तेरा इकलौती को पूत है, बहुत प्यारा हो एक बेटा, तो दोबारा आएगा तो कहा करेगी? बोले पंडित जी चिंता मत करो, तुम्हारी कृपा से चार चार महल है, दूसरे महल में बालकन के पास बैठा रूंगी और सांका लगा के अलीगढ़ को तारो लगा दूंगी। आप पंडित जी भोजन अब नहीं मंडी भैया, आज तो भूखे रहेंगे। मैया ने कहा गृहस्थी 3 बार खाए, मेहमान नहीं खाए, पंडित जी भोजन बनाओ। अब पंडित जी मैया बालक को लेके गई, ऐठा लगाया कान, अम्मा तैयो कन्हैया, अम्मा तैयो। पंडित जी क्या बोले? अगर ये कहेगो बुलाएगा तो 100 बेर आऊंगा, नहीं तो मैं क्यों आऊंगा। ले जाके बालकों के पास रख दिया, सांकल लगा दी और पंडित जी ने भोजन पहले तो बना करके भोग लगाया, तब मंत्र बोला। अब तो बनाते समय कह रहे हैं प्रभु नाभ्या आसी दंतरिक्षकम तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा। भोग लगाने में ये कहा जाता है भगवान से, हे नाथ सामने आकर खाओ, ये भोग के समय कहना चाहिए। ग्रहण सम्मुखो भूत्वा, हे प्रभु प्रसिद्ध परमेश्वर सामने आकर खा लो मेरे, ये मंत्र का अर्थ। ग्रहण सम्मुखो भूत्वा दोबारा मंत्र बोला, प्रभु कहीं भी होती लोक में आप जरूर पधारो। अब भगवान ने कहा ये बुला रहे कि मैं जा रहा हूं, मैया समझ ना रही कब साकल खुल गई, कब बालकन पे से छूट के आ गए। और पंडित जी ने आंख खोल के देखा, महाराज तो भोजन कर रहे हैं, गप गप कह रही है। अब भगवान ने कहा दिखा दो लीला। सो अब तो भगवान ने जैसा मंत्र बोला वही भगवान चतुर्भुजी दिखा। आहा अब ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करें, प्रभु मेरा भाग्य तो तुमने पहले ही खोला, मैं अभागा समझ नहीं पाया नाथ। अब बार बार भगवान की परिक्रमा करे, कान पकड़े नाक पकड़े और मैया देख रही, पंडित जी ने भोजन कर लो हो तो बर्तन न ले आऊं। मैया तो दिखे बालक, पंडित जी दिखे भगवान, जब जी चक्कर काटे परिक्रमा दे और ये मैया ने जानी कि मेरे बेटा में जादू टोना कर रो, दिखे पंडित कछु दौड़ करके आई, खबरदार पंडित जी कहा बात है, तू मेरे लाला पे जादू टोना कर रहे हुए, नाके पकड़े काने पकड़े परिक्रमा दे, ये कहा करो? ब्राह्मण बोलो भैया ये बालक नहीं है, ये तो तेरे घर साक्षात नारायण आया हो है। भगवान ने मुंह पे उंगली धर दी, चुप सब पंडित आइए, यहीं खोलेगा का कहीं और बताइयो, जा मंदिर में धरवा के अगरबत्ती दिखवावे वो। मैं मंदिर में नहीं जाना चाहता, मैं तो ब्रजरज का आनंद लेने आया हूँ। ब्राह्मण चला गया। श्रृंग अग्निदश शशि जल द्विज कंड के भ्यो क्रीड़ा परावती चलऊ ससुतौ निषिद्धू। आहा जब कृष्ण बलराम घुंघरू पहन करके पैरों में, पैंजनी बांध करके पैरों में धीरे धीरे ठाकुर जी उंगली पकड़ कर चलते हैं, क्या होता है? गृहाण कर तुम तनन्यऊ से कातया पतुरलम मनसो नवस्थाम। लाला के घुंघरू बजते हुए को देखकर चलते हुए कन्हैया के इठलाते दर्शन करके मैया समाधिस्थ हो जाती है। जैसे समाधि लगाते हैं योगीराज, ऐसे मैया लाला के दर्शन करके सहज समाधिस्थ हो जाती है। अब घुंघरू बजाते हुए लाला चल रहे हैं, आप ऐसा ध्यान करिए कि भगवान चल रहे हैं, देखिए आप उनको पकड़ करके चला रहे हैं। भागवत में जिसके दर्शन नहीं किया भगवान की लीला का, उसे भगवान भी दर्शन देंगे तो नहीं होगा। हो जाइए एकाग्र और कृष्ण की कथा का दर्शन करिए, सुनिए नहीं। अब भगवान ने एक ऐसी लीला करी जो लोगों के लिए बहुत आश्चर्य कराने वाली और शंका कराने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, काले नाल पेन राजर से राम कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट पानुजानुभि परभ्याम रवि चक्रमतु रंजसः। अब तो लाला कदमों से चलने लगे, चलने लगे तो एक दिन दाऊ जी से कहा, दाऊ जी हाँ कन्हैया हमने अवतार लेकर के वेद भगवान के समस्त वाक्यों को पूरा किया, पर वेद में एक वाक्य है, वेद में एक हमारा नाम है, क्या?
तस्कराणाम पतये नमो नमः। चोरों के सरदार तुझे नमस्कार है। ये हाँ रुद्राष्टाध्याय के पांचवें अध्याय में सब लोग रोज पाठ करते हैं, यजमान जब पूजा कराते हैं। भगवान का नाम है तस्कराणाम पतये नमो नमः, चोरों के सरदार तुझे नमस्कार है। वेद का वाक्य झूठा नहीं होना चाहिए। क्यों? वेदो नारायण साक्षात, वेद तो नारायण है साक्षात, और मुझे चोर कहा तो मुझे इस वाक्य को पूरा करना है। इसलिए भगवान ने चोरी करी। चोरी करने का एक कारण वैदिक, दूसरा कारण पौराणिक। गर्ग संहिता में लिखा है हर गैया का दूध तो भगवान मैया पिलाती नहीं थी। अरे जाने का खा के आवेगी गाय लाला को पचे न पचे। एक गैया जिसका नाम था पद्मगन था, कमल के पुष्प खिलाती, बाई के दूध दही को खवाती, और गैया भगवान से प्रार्थना करने लगी हमारा दूध दही नहीं पियोगे? कामधेनु तरसती रही कि मैंने बनी ब्रज गाय, राधा देती दोहनी और कृष्ण दुखा बन जाए। हे महाराज हमारा दूध नहीं पियोगे? कन्हैया ने कही गो गैया हम दूसरे का मैया तो खवावेगी ना, चोरी करके खा सके, दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान ने चोरी करी। ये दूसरा पौराणिक कारण। एक तीसरा कारण सामाजिक कारण। भागवत के महात्म में लिखा है नारद जी ने कलयुग में आकर देखा किसान लोग अन्न बेच रहे थे। अट्टसूला जनपदा शिवसूला द्विजातयः, किसान अन्न बेच रहे थे। अरे नारद जी ने कहा धिक्कार है भारत के लिए, भारत में अन्न बेचा जाता है। इतना अन्न होता था भारत में कि बेचने की जरूरत नहीं थी, फ्री पड़ा था। आपको मालूम है एक अर्जेंटीना नाम का देश है, वो आज गेहूं को समुद्र में फेंकता है क्योंकि गेहूं बहुत होता है और भेजने के लिए ज्यादा किराया लगता है। कहीं भारत भी कभी अन्न नहीं बेचता था। दूध दही बेचने का तो सवाल ही नहीं है। दूध दही बेचने की चीज है, जब अन्न बेचना वर्जित है तो दूध दही बेचना वर्जित है कि नहीं? भगवान ने कहा मेरे जमाने में दूध दही बिक रहा है, गलत बात है, ये गोरस बेचेगा नहीं। तीसरा चौथा कारण, बेचती कहाँ है? मथुरा में। पागल गोपियों हमारा दूध दही वृंदावन का और बिक रहा है शत्रुओं के मथुरा में, तो शत्रु बलवान हो रहे हैं और हम कमजोर हो रहे हैं, तो जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे दूध दही माखन को हम खुद खाएंगे और क्या करें, बच्चों ने कहा हम चोरी चोरी करके खाएंगे, इसलिए भगवान ने चोरी की। ये एक चोरी करने का कारण है। अथवा चोरी क्या है ये चोरी के बाद बताएंगे। अब भगवान चोरी करने लगे। कहाँ चोरी करें दाऊ जी, पहले अपने घर में ही करें। दाऊ जी द्वार पे खड़े हैं, लाला चोरी करने गए, मटका में से दूध दही लेकर के खाने लगे। सो शीशा लगा था मैया के घर में, देखा तो अपनी परछाई दिखाई दे रही। कन्हैया ने कही अरे मैं जान रहा हूँ एक चोर मैं ही हूँ, दूसरा चोर आ रहा है। बातें पूछी तू कब आया भैया? मैंने कही तू कब आया? मैं तो आज ही आया। बोले मैं भी आज ही आया। तू मेरी मैया से मत कहियो? तो वो बोले मेरी मैया से मत कहियो। अपनी लीला में खुद ही मोहित हो गए और मैया का नाम ले रहे थे। तब तक दाऊ जी गए जल्दी चल मैया जल्दी चल, क्या चोरी कर रहा है कन्हैया? मैया ने कही वही दिन तो नहीं आ गए जो पंडित जी ने कही। आह लाला माखन लेके शीशा को खिला रहा है। मैया क्या बोली? कृष्ण क्वास करो क्यों पितरती स्रोतैव मातुर बच सासंकौ नवनीत चौर विदितो बेश्रम्यताम अप्रवी। कृष्ण क्वास करो क्यों पितरति, ओ मेरे बाप कन्हैया का कर रो है। मैया नाराज हो तो यूं के ओ मेरे बाप, मैया नाराज हो तो यूं ही कहती है बस ओ मेरे बाप, बुरी बात तो कह ही नहीं सकती वहां। तो क्या कहा? कृष्ण क्वास करो किम पिता, पिता माने पिता मेरे बाप। कृष्ण क्वास करो किम पितरति श्रुत्वैव मातुर बच सासंकौ नवनीत चौर विदितो विश्रम्यताम अब्रवीत। लाला थर थर कांपने लगे, वो हाथ जोड़ के कहने लगे चोरी थोड़ी कर रहा हूं मैया। तो माता कंकण पद्म राग महसा पांडिर ममा तप्यते। ओ मैया मेरे हाथ में तेने पद्मराग मणि को कंकण बांध रखियो है, वो सूरज को देख करके तपने लग गया है। माता
कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते तो तेनायौ नवनीत भांड विभरे विश्रम्यताम अब्रवी। मैं यहाँ नवनीत के माखन में ठंडो कर रहे हो, इतना गर्म बढ़ रहा मेरा हाथ, ओ मरे तो मरे हो। और मैया ने कहा बोलो तो लला सीख गो। अच्छा मैया ने कहा लला तेने हाथ में तो इसलिए कंगन डुबोयो, तेरे मुख में माखन लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? मुंह से खा रहे का बताऊं मैया? मैंने सोची कि मैया मैं तो अब बड़ो है गो, मैंने घर की देख रेख करी तो मैंने मटका देखे तेरे माखन के तो चीटी चीटी है रही, ओ दल को दल आ रहे। मैंने सोची मैया गर्म करेगी घी बनावेगी, दीखे है ना बूढ़ी है गई, कह दे कन्हैया तो तू भी नहीं, नहीं कह दे तो तू भी नहीं, सो मैं चीटी भी रो मैया सब चैंटी दे करो चली जा रही हूँ। सबने मेरी बात मानी, एक ने नहीं मानी, और मेरे शरीर पे चढ़ती चढ़ती आई तो मेरे मुख पे एक डंक मारो, मेरे हाथ में माखन को लौदा छपाक से मैंने बाकू खुजा रो सो माखन लग गो। अरे मैया हंस गई, लाला होशियार बहुत है वो तो। मैया हंस गई और गुस्सा दूर, माता पिता और गुरुजन तो मुस्करा गए, फिर क्या रखा है, लाला चोरी करी है कि न करी है, आज की बात मत करी, मेरे कहा कम ये चोरी करूंगा। मैया ले आई, मैया चली गई। जब दाऊ जी से कन्हैया ने कही दाऊ जी तुमने तो मुहूर्त हमारो बहुत बिगाड़ो, पर हमारो मुहूर्त तो सदगो भैया, घर में पास तो बाहर पास। अब मंडली बना ली श्री रामा स्तोक अर्जुन सबल आदि बालक छोटे छोटे पांच पांच सात सात वर्ष के ग्वाल वाल कन्हैया के संग में लेकर के मंडली लेकर चोरी कर रहे हैं। याके घर माखन खायो, याके घर चोरी करी, याके घर दही फैलायो। आहा एक इतना मधुर श्लोक है भागवत का, कितना मधुर है बाप, आपको सुना रहा हूं। एक बार सब गोपियां मिलकर के मैया से शिकायत करने गई, एक एक तो बहुत के आई गोपियां, सब मिलकर के मैया से कहो हाँ जसोदा कह लो की जय कान हरिनी तपति कैसे सहे पर तुहे दूध दही की हानि। ला मैया तू रानी है तो तेरी बात थोड़ी मानेंगे, हम तो एक कहवे आए बात। सब गोपी इकट्ठी है गई, मैया बीच में बैठी आंगन में, गोपी मंडलाकार बैठी है, कैसे आई हो तुम सवेरे सवेरे त्रिलला के गुण सुनावे आई है, सुनाओ भाई एक एक तो बहुत कहती, आज तो तुम इकट्ठी सुना दो। देखिए गोपियों के शब्दों में सुखदेव जी की वाणी की मधुरता देखिए, भागवत का मिठास देखिए। बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्यथ ददिपय कल्पितय स्तेय योग मरकान भोक्षन विभजस चेन्नाति भांडम विनक्ति द्रिव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्यपत क्रोश्यतो का। सुनो मैया लाला का उधम करे सुनाओ। बत्सान मुंचन बछड़ों को खोल देते हैं। अच्छा यशोदा बोली एक तो छुरा पे मेरे पे बछड़न ने खुलवावे ऊपर से आंख दिखावे। बोले सुनो क्वचिद असमय, पहले तो मीठा मीठा बोलेगा गोपी तू दूध निकाल ले ये बछड़ा खोल दो एक एक खोल दो लाला, पहले तो एक एक खोलेगा दो तीन बछड़ा खोले पूरी टटिया खोल दे, कंजूसनी भूखे मारेगी बछड़ा ने, सब बछड़ा ने खोल दे जो छोरा छोरन को प्यारू को दूध ना दें दियो कई दिना। बत्सान मुंचन क्वचित समय असमय पर खोलता है क्रोश संजात हास। यशोदा बोली ने गुस्सा दिखा दो करो बालक ही तो है। एक गोपी बोली यू काम कर लियो मैंने, मैं ज्यादा ज्यादा गुस्सा करूं जो सब ग्वाल वालों को मैं पहचाने वादा, ये चिड़ैली गोपी चिड़ाओ चिड़ाओ जो मैं तो पागल में भर्ती कर रहा हूँ कई दिना तो मुंह पर पत्थर फेंकवा ले और चिड़ा और चिड़ा चुरा चुरी मेरे पीछे लग गए मैं तो पागल में रह गई। क्रोध संजात हास, हम क्रोध करते हैं वो मुस्कुराता रहता। अच्छा और का करे? बोले घर में चोरी करे चुप रहे, मेरे नौला गाय को माखन होए, मेरे घर को माखन अच्छा ना लगे तो तू दे दे करने बाकू माखन खावे आवे तो तू कहां मर जावेगी थोड़े से खवा दे। सुनो एक गो बोली यू काम कर लियो मेरे घर के चक्कर काट रहे हो, एक दिन मैं समझ गई नंबर मेरे घर को है, मैंने सोने के कटोरा में माखन मिश्री लगा के तुलसी दल डाल के हाथ जोड़ करके कही ले लाला माखन खा लो तुम वो पे अर्राए के पड़े हो, मैं कोई कंगला दिखू जो मुको दान कर रही है, चार तो गैया नहीं है डोलती डोले डगरे में और मुको मेरे घर के लिए माखन की का कमी, अर्रा के पड़े हो बाई माखने में पड़ेरी पे धर के जमुना जल्ले भी गई तो बाई ये चोर के खाया है।
स्तेयम स्वादु। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, गोपिया कहती है स्ते माने चोरी में स्वाद आता है, इज्जत से दे तो अच्छा ना लगे। स्तेयम स्वादु तथा अधिपय कल्पित स्तेय हो गई। अरे चोरी के सारे काम जानता है। अच्छा चुप रहे, कितना माखन खाया होगा 100-200 ग्राम और क्विंटल 2 क्विंटल खाए होगा। बड़ी जोर जोर से बोल रही है, सुनो बालक या के संग में रहे। बोले बालक या के तेरे घर खाए, तेरे या घर खाए, मेरे काका। सुनो बालकन को खवावे मरकान भोक्षण। मरकान माने बानरान। अरे बंदर की झाल झाल आके पीछे चले, ऊपर ऊपर चले बंदर और ले रहे के माखन को लोदा बानरन के लिए फेंक फेंक के। यूं कहे ले बानरो, राम अवतार में तुमने मेरी बड़ी मदद करी है, ले प्रसाद ले जाओ भैया, ले ले प्रसाद ले जाओ। सो बंदर की जाल आवे और बंदर खूब खामे, या उको मोह दुखना है कछु। तो मारे कान भोक्षण बबजति सचेत नाति भांडम भुनत्ति। अब जब बंदरों न चेद अति, जब बंदर भी नहीं खाते हैं तो भांडम में नत्ती, मटका लेके जमीन पे दे मारे लाला ऐसी कंजूसनी को माखन है कि बंदरों ना खा रहे तो सारे मटका ये फोड़ चलो, मटका ये फोड़ दे भांडम में नत्ती। एक अर्थ ये भी हो सकता है, एक अर्थ ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, अनुकूल भी अर्थ हो सकता है। प्रभु माइये मैया भांडम में लगती माने पापी पापी लोगों का उद्धार भी तेरा परमात्मा भगवान कर रहा है। तेरा भगवान सबको मुक्ति दे रहा है। बत्सान मुंचन मूर्खान अज्ञानी जनान अपि मुंचन। अरे अज्ञानी अघासुर बघासुर का भी मोक्ष कर रहा है, पूतना को माखी गति दे रहा है। मैया ये वृज धन्य हो गया है, तेरे लाला के चोरी करने से पाप चोरी हो रही है। क्या चोर रहा है? अरे व्रजे वसंत नवनीत चौरम गोपांग नानांचद कूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरों चौरा गृगण्यम पुरुषम नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरों। और गोपी कह रही है, मैया रोवे लगी, गोपी ज्यादा बोल गई, अपनो गांव ले नदरानी हम तो दूर बसेंगी जाए। लाला पे परेशान करवा रही, हम तो चली जाएंगी गांव में छोड़ के, कह दो। सो मैया रोने लग गई, भोली बहुत है मैया, यशोदा है। हाथ जोड़ के मैया कह रही है, बहनों मेरे लाला से तुम गारी मत दीजो, बुरी बात मत गई हो, मैं क्षमा मांग रही हूँ तुमसे। मैया की आंखों में आंसू आ गया। मैया हाथ जोड़ करके कहती है, गारी मत दीजो बो गोपियों ने जब यूं कहा, यशोदा रोने लगी, मुझे गारी मत दीजो, माखन को माट लेके बैठी यशोदा माई, तोल तोल लीजो वीर जाको जे तो खायो है, लालन के कारण मैं गोद को पसार मांगो, पर गारी मत दीजो मो गरीब नहीं को जाए। तुम्हें साल भी लगो लाला, वह नंदो सबके दिनाए भूल गई बाजना, तो तुम बिल्कुल ही नाच नाच के मेरे आंगन नीचो कर दियो। रोने लगी मैया। तब तक भगवान आ गए घूमते हुए धड़ाम से, मैया की गोद में गिरे। तू क्यों रो रही है? ठाकुर जी ने पूछी, क्यों रो रही है? तू रुब्बारो है। मैं कैसे रुब्बारो? तू इनके घर पे चोरी करवे ना जातो तो ये मेरे घर में क्यों आके कहती? कन्या ने कहा, कौन सी कह रही है, कौन के घर चोरी करवे गयो? ललिता बोली मेरे घर, विशाखा बोली मेरे घर, तुंगभद्रा बोली मेरे घर, नंदा बोली मेरे घर, भद्रा बोली मेरे घर। अच्छा तुम्हारे घर चोरी करते गयो तो तुमने पकड़ लियो का कभी? पकड़ो तो आज तक नहीं भाई, तो उठो मेरे घर से। घर के बालक करें चोरी, नाम मेरा लगा रही हो। भोली वाली मैया आ गई, वैसे कह बारी। मैया बोली, लाला बोलबो तो मैं बहुत जानू, पर तेरे माने नीची पड़ रही हूं, तू चिंता मत कर, बोल तू तो। बोले उठो मेरे घर से, लाला बदनाम कर भी आ गई हो, चोरी कर रहे घर के बालक। ओ गोपी कहने लगी, अभी तक तो रो रही, कैसे जादू कर दियो आते ही। कन्हैया के आते ही देखो कैसे बोल रही है, जिसकी गोद में गोविंद बैठा होगा वो रोएगा क्यों? वो तो ऐसे जब गोविंद जिसके गोद में बैठा हो वो मैया तो प्रसन्न हो गई, जाओ मेरे घर से। गोपी ने किया, लाला पकड़ गई बताना। बोले पकड़ के बताइयो, बात ठन गई। मैया बोली, लाला मेरी बात को संभाल लाला, अब तू चोरी मत करियो। कन्हैया ने कही, मैया मैं तो कभी ना करूं। मैया ने जानी लाला सुधर गो, लाला तो और बिगड़ गो।
ग्वाल बाल बोला ये तो ये वंशु का श्रीधाम तो पता है का चोरी करते भैया पकड़बे की बात है गई है। वंशु कहने की चिंता मत करे कन्हैया ने होशियारी से चोरी करेंगे। अच्छा हाँ एक गोपी ज्यादा होशियार रोज ने तानो मारती जावे अपने घर पे आकर निकले गरीब गरीबी नहीं की घर ने चोरी करी होगी लगा मेरे घर चोरी करे तो छठी की याद दिला दूंगी। कन्हैया ने कहा चुनौती मत दे गोपी देख ले तू तू मेरे घर करके बता तू बड़वाया चोर सरदार। कन्हैया ने ग्वाल वाल देखे बोले बहुत लला चुनौती दे रही है यार पहचान लो मंशु कहने की जान दे पहचान ले जान दे। अब लाला बहुत सरल हो गए हैं अरे मैं तो गई जमुना जल को तो कहा कहूं वीर विपत्त परी और गहराई के कारी घटाए अनई इतने में ही गागर सी सधरी रपचो पग घाट चढ़ो न गयो कवि मंडन है के बिहाल गिरी चिरजीवे बुनंद को सामरिया गहि बाह गरीबन ठाड़ी करी। अब तो लाला यमुना किनारे सेवा कर रहे हैं सब लोग अच्छा समझ रहे हैं। एक गोपी पे ध्यान गोपी भीतर बैठी रहती ग्वाल भेज तो देखी हुआ कि घर में गोपी है का ग्वाल घुस के देख तो गोपी के घर में गोपी पकड़ लेती सुनो घरे के भरे हो तो देख भी को भेजो होगा पाने मैं तो मेरी गाय खो रही है मैं तो गैया ने ढूंढो मेरे घर में घुस रही है तेरी गाय। एक चांटो लगाती चल होशियार बहुत है कन्हैया छोटे छोटे ग्वाले ने खिड़की पे लटका देते देखियो या मैं गोपी बैठी है का तो खिड़की पे लटका भाई ग्वाल बोल तो बैठी है सो गोपी भक्के आती और लटकते भाई बालक के एक चांटा लगाती तू दिखे वहां को खबर दे बारो बोले मोह गाय मार रहे हो मार रही है मोह तो कन्हैया लटकाए वो और भाग जा बड़ा होशियार। एक दिन का भयो गोपी लेके बर्तन और कपड़ा घर वाले इनके बहुत से और नहावे को गई जमुना जल ग्वाल ने कही कन्हैया वही गोपी जा रही है चोरी करवे चलो चलो बालकन लेके आए तो बूढ़ी सी सास दिखे है ना और डंडा खटखटा रही तो कुत्ता बिल्ली ना आ जाए बहू से कह दई झांकड़ बंद कर दई हो। कन्हैया ने कही लला घुसे कैसे हमें तो बुढ़िया बैठी है। कन्हैया बोली चिंता मत करो कन्हैया ने सांकल खटखटाई खटखटखट तो अरे कौन को घर खुलो परियो या हमें कुत्ता घुसे जाए भाई तो दिख तो नहीं ही तो बंद परियो गए खुलो पड़ो घर लाला ये तो मेरो घर है कन्हैया खुलो है के बंदे बोले मैया ये तो बिल्कुल खुलो पड़ो है मैंने कितेक बेर अब गुस्सा आई सास मैंने कितेक बेर बहू से कही कि या सांकड़ जायो कर जब बंद करके जायो कर पर एक ना सुने जादना ते मेरे घर में आई है लाला मेरी बहू वादना तो मेरा चोरो कर दियो नेक बहू पैदी गलती है जान दो फिर देखो सास है थानेदार बन जाए वो यो ना समझे कि भाई गलती आ गई तो है गई लाला ने एक बंद कर दीजिए बेटा लाला ने बंद कर भी की जरा खर खोल दियो सारा करो चुपचाप आ जाओ सब और ये जब बाने सांकड़ पर मैं जाऊं भैया हाँ अभी आशीर्वाद देवे लगी हाँ घर घर की सद लेते डोले कैसे अच्छो कन्हैया है मेरे घर को कहो तो आज अगर कन्हे नहीं आ तो बड़े बूढ़े की नेक सेवा कर दो फिर देखो आशीर्वाद ढकूला के ढकूला स्वभाव ये आशीर्वाद दे रही है सब घुसाए कान में कई एक द्वार पर बैठ जाओ और जमुना की तरफ देखो एक ग्वाल बैठ को बोले बैठ तो मैं जाऊंगा लेकिन पहले को लौंदा माखन को मोकू यानी चाहिए बोले तू बैठ जा। एक ग्वाल देख रहे भीतर गए तो सब जगह ढंडोरा मचाया कहीं पर नहीं था माखन अब क्या करे ऊपर को देखो तो तीन छीके कन्हैया तीन छीके में ऊपर मार गए अब कैसे उतारे पीढ़ी उखल सब रख क्यों नहीं पहुंचे एक के कंधा पे एक एक के कंधा पे एक एक के कंधा पे ऊपर कन्हैया पहुंच गए उतारे मटका बड़ो और कन्हैया के छोटे छोटे हाथ कैसे उतारे एक ग्वाल बोले उतार भी की का जरूरत है तो दसारे में नीचे दी ठोसा छीके में छेद रहे हो करे हम तो गांव के लोग हैं तो लइयो डंडा लइयो छोरा कोई सो वो डंडा का काम मुरली कब काम आवेगी तेरी फेंट में से मुरली निकारी ढोसा लगायो माकन सर सर गिरवे लगो ऊपर कन्हैया पीवे लगे नीचे के नगे के तो आंदनी पटकू जा रहे ऊपर से अब धमा चौकड़ी होने लगी एक मटका फोरो दूसरो फोरो तीसरो फोरो उछल रहे हैं कूद रहे हैं धमा चौकड़ी कोने कोन को ध्यान और द्वारपाल देख रहे अब माखन आवे ला अब माखन आवे पर कोई ये ध्यान नहीं अच्छा पिटवे को मैं खाएवे को तुम बैठवे को मैं ये भी छोड़ द्वार है हमारे चौकड़ी में इकट्ठा हो गया गोपी आई खुलो दरवाजा देख के समझ गई नंबर मेरो ही ले लियो दीखे अच्छा कुमचक धीरे धीरे आई और पनेरी पर रख करके बर्तन ने और किवाड़ पकड़ के बोली सावधान
ठाकुर जी बोले अरे दरवाजे पर कौन सा बैठा रहो, दरवाजे पर बैठे मान की मैं बैठा रहो, तेने मरवा दिए तेने हल्ला क्यों नहीं करो, बोले तेने माखन दियो का बैठे बेगू मैं खावे गु तू पिटो। इत्या गोपी ने एक बाल को कान पकड़ा, मेरे घर में कैसे आया तू, रोबे रखो मैं तो नहीं आ रहा हूं, पर कन्हैया नहीं हो गई तो जमुना जी की सौगंध चलना पड़ेगा, तू तो नहीं आया ना, हाँ निकल निकल। अरे ग्वाले ने समझ लिया यहाँ पे ही धरते चलो साहब यहाँ पे धरो, तू क्यों आया, बोले जमुना की सौगंध तो को बंसी बट की तो को काली दे की तो को गहबर बन की तो को अटल बन की सब सौगंध खवाई निकलो। सब ग्वालवान निकल गए, अब रह गए श्रीमान जी और गोपी की चोट भी तो उसी पर थी, कन्हैया पर दौड़ करके गोपी गई और हाथ पकड़ लिया, लाला तेरी मैया तू दोनों बाजना एक मत है गई, यहाँ का चोरी करते पकड़ लियो ना, हाथ जोड़ के अब लगे गोपी तू हाथ जोड़ रहा हूँ आज छोड़ दे, झाड़ू लगवा ले और चौका लगवा ले, तेरी परिकम्मा दिवा ले, तो को ढोक दिवा ले, कान पकड़ के बैठक दिवा ले और कजू करा ले, पर आज छोड़ दे। गोपी बोली तेरे ढोंगन ने सब जानू, यहाँ तो हाथ जोड़ के छूट के जाएगो और बाहर जाती सिंह दिखाएगो, मैं ना छोड़ूंगी आज तेरी मैया के पास ले चलूंगी, फिर जिंदगी भर चोरी करी, बोले आज छोड़ दे, बोले जिंदगी भर छूट है पता लग जाएगो, तो ले चलेगी का हाँ पकड़, सो पकड़ हाथ है और गोपी ले जा रही है और खिचड़ते पीछे को जा रहे हैं, आगे मिले बड़े बूढ़े गोप ग्वाल, अब ब्रिज में लाज मारवे की पर्दा करने की प्रथा ही, सो एक हाथ को घूंघट निकाल लियो गोपी ने, पीछे खिचड़ते जा रहे और गोपी कह रही मनी मन में अब बताओ मैया को बताऊंगी, तब तक एक ग्वाल बिग ग्वाल तो भाग गए, एक ग्वाल ननिहाल गया था अपने मामा के घर और चोरी में नहीं हूं मन श्रीदामा, बन के कन्हैया का चक्कर है कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा हो, ये गोपी कहाँ ले जा रही है, और वो तो कह रही आज पता लगा तेरी मैया आज बताऊंगी लला तो को, वो तो बिल्लाती जा रही, कन्हैया ने कान में कही लला आज बड़े चक्कर में पड़ गए हम, ग्वाल ने कही बोल, कही मदद करे तो कर, बोले बोल, कहा बताऊं भैया क्यों, या गोपी के गैया बहुत हैं, हाँ तो एक दिन या की एक गैया पर गई बीमार, फिर यानी एक देवता पे ग्वाल को भोजन, बोलो मेरी गाय अच्छी जाएगी तो ग्वाल है भोजन कराऊंगी, या की गैया है गई ठीक, अभी यो करिए आज मेरे देवता को दिना है और मैं माखन मिश्री ले जा रही हूँ, तू भोजन करवे को चल मेरे देवता पे ग्वाल जमाऊंगी एक है, और मैं माखन गा के आ रहा हूँ भूख नहीं है मोर, अब बता ये कह रही है कि जयमे को चल तू, ये चक्कर पड़ रहा है, तो कन्हैया ने कही कि तू भोजन करवे जावे तो तू चला जा, यानी कही ननिहाल तो दूर से आया हूँ मैं, हाँ दूर गांव से आया हूँ और जमुना में नहा के आया हूँ, मैंने कचुना का जयमे तो मैं चलो जाऊंगा, बोले जयमे चला जाएगा तो आ जा, बोले ये तो ये ले जा रही है वो काकू ले जाएगी, कन्हैया ने कही कि भेजवे की गारंटी मेरी, तो ग्वाल बोले जयमे की गारंटी मेरी आ जा। अब पीछे पीछे कन्हैया लटकते जा रहे हैं, पीछे ग्वाल जा रहा है, अब भगवान की क्या उपाय करें, अरे दया ही न दुष्टे बलिष्टे करे थे तदा नियता में द्वितीयम गृहण, अरे गोपी तेरे दया नहीं है, तेरा हाथ बड़ा कठोर है, हाँ बर्तन माजे झाड़ू लगावे सफाई करे घर को काम करे तेरे हाथ पे ठाट पड़ रही है, अरे दया ही न दुष्टे बलिष्टे करे थे, तेरे हाथ बड़े बलवान है मोटे कठोर है, अब मेरे कोमल हाथ है, मेरे हाथ में दर्द है रोए तो तदा नियता में द्वितीयम गृहण, पीछे को लटकते करे दूसरे हाथ पकड़ ले, गोपी बोली तो उसे होशियार लाला भगवत चारों पहले हाथ पकड़ा दे, ठाकुर जी ने ग्वाल ते कही जे में जाना हो तो पकड़ा दे हाथ, माने की जे में तो जाऊंगा तो आजा पीछे पीछे, बोले लाला ला पहले हाथ पकड़ा जब छोड़ूंगी, तो या गोपी ने हाथ ग्वाल ने अपना हाथ दे दियो, मैंने कन्हैया को समझ के पकड़ ने मोटो सो हो या की उम्र ज्यादा आई, कन्हैया की कम बाने गई, गोपी बोली लाला ऐसा लगे कि तेरे हाथ कुछ मोटो है का, ये कुछ बात तो नहीं है, मोटो ना आ रहे तो नहीं जोर से पकड़ रहा है पत्थरों पर गो ये तो, अरे ना लाला चलो अब ग्वाल पकड़ा दियो, और अब भाग के गई मैया के पास जल्दी, मैया भैया जल्दी करो घड़ियाली वहां से बहाये दूसरे रास्ता गए, क्या बात है कुछ मत पूछे मैया झूठे आंसू बहावे, क्या बात है, गोपी ने ये पंचायत करी है जमुना किनारे कोई चोरी करे कन्हैया को नाम लगाओ, अब मैं करूंगा नहीं मेरा नाम लगाएगी तो मतलब तू मुंह मारेगी, मैया ने गुस्सा में कहा कि कौन सी है वो गोपी जो तू पंचायत करके तेरा नाम लगाएगी, क्या 84 कोस में बोलेगी कि मैं रहूंगी, तू जाइयो मत, मैंने तो जानना से बंद कर दिया, तुझे कई याद ना थी, मैया ने कहा ऊपर झरो कहां बैठ बेटा खेल ऊपर हो बेटा, ऐसी बुरी गोपी है कि नाम मेरे लाला कोई लगा नहीं,
वो तो गुस्सा करा दी मैया, तब तक ये लाला पकड़ के आई और द्वार पे लाके खड़ो करो। जब भीतर घुसी तो बड़े घरों में भी लाज मार के जाना पड़े। अरे बड़े घरों में राजा महाराजा के जाने कौन बैठो। सो ले जाके ग्वाले गई और जाके आवाज लगाई, मैया हाँ गोपी बाहर निकलियो, क्यों तुम्हारे लाला चोरी करते भैया पकड़ के लाइयो। मैया ने कही हवाल कन्हैया मुझसे बात करो, ये पागल का कह रही है। सब काम छोड़ के मैया आई तो घूंघट तो बन लग रो है और ग्वाले पकड़ के खड़ी है, तेरा कन्हैया मैंने मेरे घर में चोरी कर तो भैया पकड़ो। अच्छा हाँ कहाँ है कन्हैया, ये देख पकड़ के लाई। मैया गुस्सा में कहने लगी, आंखिन की अंधी नेक घूंघट खोल के देख, ये मेरा कन्हैया के तेरा खास देवर है। यदा याचितो यम तदा देवरस्य प्रदस्य करो शात करो माधवेन। अरे ये कौन है, बोले ये देवर है। सुबह ने घूंघट खोल के देखो तो लाला जी ठाले, एक चाटो मारो मैं कन्हैया पकड़ के लाई, तू बीच में कहा आ धस्यो, तू कहां से आ गो। ग्वाल रोबे लगो, बोले मारे मतीना ये बता भोजन कहां करवावेगी, कैसा भोजन आ। बोले कन्हैया को तो भोजन करा रही, मुंह को नहीं कराएगी, एक थाप और दही मैं जमाऊ तो बामन ला। अरे ग्वाल दोस्त को गड़बड़ हो गया। और मैया बोली तू ही दी गए सरपंच कल की, जो लाला की बदनामी करे, कैसे कैसे बरसाने पे चर्चा है रही है, तू खबर है आके पहुंचा के मानेगी बरसाने, मेरे लाला के पीने हाथ नहीं होने देगी, तू है गोपी। गोपी बोली मैया इन आंखें से चोरी कर तो देखो, इन आयतन से चोरी कर तो पकड़ो, और बीच में का जादू टोना कर को मैं पता ही नहीं पड़ो, जब चली जा मेरे घर से। अब गोपी लौट के नीचे आई, जब सीढ़ी उतरने लगी तो कन्हैया झरोका में खड़े, बोले गोपी। कन्हैया ने ऊपर झरोका की ओर देखा, कन्हैया ने सिंह बताया और पकड़ा बेगी मैया को। एवं धाष्टान सतकुरुते मेघना दीन वास्तव। वास्तव में ये गोपियां भगवान की चोरी का उलाहना देने नहीं जाती थी, जादना लाला का दर्शन हो जाता अपने घर पे बादना तो नहीं जाती, और जिस दिन लाला का दर्शन नहीं होता तो उलाहना देने बहाने लाला के दर्शन करने जाती। ये माखन नहीं चुराते थे तो क्या चुराते थे, संस्कृत में कहते हैं माखन को नवनीत, हिंदी में कहते हैं माखन और संस्कृत में कहते हैं नवनीत। और नवनीत क्या होता है, तुलसी ने लिखा है माखन नहीं चुराया भगवान ने। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कबीन पर कहो न जाना, कहा कबीन पर कहो न जाना, संत हृदय कुछ विद्वानों का कहना है नवनीत माने माखन भी होता है और नवनीत माने संतों का हृदय कैसा है, संत हृदय नवनीत समाना। भगवान माखन नहीं चुराते थे, जो संत स्वभाव के हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके हृदय को चुरा लेते हैं, इसलिए भगवान को माखन चोर कहा गया। साधुओं के हृदय को चुराते हैं, क्योंकि भगवान ने नवम स्कंध में कहा महाराज, साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय त्वम, मदन्यम ते न जानती ना हम तेभ्यो मना गति। वृंदावन बिहारी लाल की, मदन मोहन जी महाराज की जय हो। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी ने अनेक लीलाएं कही, यदि यही चोरी की लीला कहते रहे तो बहुत समय हो जाएगा। आज कथा का कहने का क्रम है गिरिराज पूजन तक का, तो विलंब हो गया थोड़ा घड़ी देखने में, पर आज हमारी कथा का विश्राम का स्थल है गोवर्धन पूजन।
तो आइए सब मिल करके कुछ बाकी कथाएं हैं ब्रह्मा की, एक वो कल आपको सुनाएंगे। अभी आप गिरिराज पूजन सुने, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। देखिए एक बार भगवान ने देखा मैया के घर पे बड़ा भारी सामान आ रहा है, गाड़ी के गाड़ी आ रहे हैं दूध दही, गाड़ी के गाड़ी मेवा मिष्ठान आ रहे हैं, गाड़ी के गाड़ी सामान भर भर के लोग ला रहे हैं, हलवाई लोग झज्जर पलटा लेकर के आ रहे हैं बड़ा भारी सामान। अरे ठाकुर जी सब कुछ जानते हुए पूछ रहे हैं, कच्छता मे पितक कोयम संभ्रमो वै उपागता किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मख। बाबा नन्हे से पूछी, बाबा ये कौन सा यज्ञ है रे भाई, कौन से देवता का पूजन है, इसके करने से क्या फल है, ये क्या हो रहा है, कोई शुभकर्म हो रहा है हमारे। हाँ लाला। बाबा नंद ने कहा सुन बेटा कन्हैया, सब नंद बाबा उपनंद आदि के सामने, परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्याभिमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनं प्रीणनं पयः। सुनो लाला कन्हैया, परजन्यो भगवान इंद्र मेघों का राजा इंद्र है, हम बरसात में यहाँ गोवर्धन में बरसात होती है तो गैयाओं के लिए घास पैदा होता है, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताइयो, ये वर्षा इंद्र करे तो गर्मी कौन सा देवता करे, क्यों जी ये ठंड कौन सी देवता पार है, कैसी बात करे तू बालकन की जी। कर्मणा जायती जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान एक कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, कर्म से ही जंतु का जन्म होता है, कर्म से ही मरता है, अच्छे कर्म करो, इन देवतान की ढोक कायकू दे भी लगो, देवता तो कर्म करोगे जैसे फल देगो, गांठ में से दे मारा तो कोई है ना, है कोई ढोक, देवतान की ढोक क्यों दे रहे हो तुम लाला, ऐसे कह रहे भगवान ने, या भगवान के सत्ता पर भी संदेह किया देवताओं के ऊपर, अस्ति स्यात् ईश्वर कश्चित, यदि यदि कोई ईश्वर है, जैनी लोग यही तो कहते हैं जैन धर्म में शादबाद है, जैन धर्म में शादबाद, शादबाद का मतलब है ईश्वर है शायद, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, शादबाद है। बौद्धों का किरणादिवाद है, बौद्ध लोग कहते हैं परमात्मा है यदि तो जैसे 24 पदार्थ का शरीर है एक परमात्मा भी एक पदार्थ है, क्या बड़ी बात है। तो जैन लोग कहते हैं ये शादबाद, भगवान महावीर जी ने यहीं से लिया शादबाद, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूपानुकर्मणाम, यदि ईश्वर है कदाचित तो कर्म का फल देता है। भगवान को देवताओं की निंदा करनी थी तभी तो मन मानेगा। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इंद्र कभी पूजा ग्रहण करने के लिए आया क्या, कभी नहीं आया, पहले एक दिन दीपावली को लक्ष्मी पूजन होता है, दूसरे दिन इंद्र का पूजन होता है, इंद्र हमारे देवताओं का स्वामी है उसका हम पूजन करते हैं बाबा, ये अच्छी बात नहीं है, मेरी बात माने तो एक काम करो, का घर के देवता की पूजा करो, घर को कौन देवता, बोले गोवर्धन। देखिए गिरिराज पूजन भगवान ने क्यों कराया, पहला तो इसका नाम है गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब है गो माने गैयाओं को बढ़ाने वाला, जो गैयाओं को बढ़ाता है, जो गैयाओं की सेवा करता है, भगवान ने कहा जो गैयाओं की सेवा करता है उसका पूजन मैं मेरे हाथ से करता हूं, यदि मुझसे पूजन कराना है तो गायों की सेवा करो, गौशाला की सेवा करो, गैयाओं की सेवा करो। पहला कारण ये गोवर्धन है, गो माने गैयाओं को बढ़ाने वाला, जिसमें भगवान ने गौओं के महत्व को बढ़ाया, पहला कारण तो ये है गोवर्धन माने गैयाओं को बढ़ाने वाले की सेवा की, नंबर एक। दूसरा कारण भागवत से ही है, ऊपर से नहीं। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, हंता यमद्रिरबला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रबोध मानव तनोति सह गो गणयोस्तयोर्या पानी यस सबक सूकर कंद मूलई। अरे बहनों गोपियां कहती हैं, हंता यमद्रिरबला हरिदास बरियो, भगवान के जितने भी भक्त हैं दुनिया में सबसे बड़ा भक्त गिरिराज बाबा है,
हाँ कैसे भक्त के क्या लक्षण है? मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नैन बहेलीरा। भक्त का लक्षण है भगवान के गुणगान करने पर भगवान के गुणगान सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाए। भक्ति का प्रारंभ आंसुओं से होता है, भक्तियों का बीजारोपण आंसुओं से होता है। जो भगवान के लिए अश्रु प्रवाह नहीं करता वो भक्त नहीं हो सकता। बिना आंसुओं के भरे, बिना रोमांच के हुए, बिना हिलोर में उठे, मेरा गोपाल हृदय में घुसता ही नहीं है। गदगद जब तक तुम्हारी वाणी नहीं हो जाएगी, आंखों में अश्रु प्रवाह जब तक नहीं हो जाएगा, हृदय में हिलोर जब तक नहीं उठेगी, जब तक गोविंद इस शरीर में प्रवेश हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा भक्त वो है जो भगवान को देखकर भगवान का स्मरण कर रो पड़े। तो बहनों सबसे ज्यादा बड़ा गिरिराज बाबा भक्त है। क्यों? हंताय मद्रवला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जब कृष्ण और बलराम अपने चरणों को गिरिराज बाबा पर रखते हैं तो गिरिराज के हृदय में प्रफुल्लता हो जाती है, उसका हृदय पिघल जाता है। कन्हैया जब मुरली बजाते हैं वृंदावन में गोवर्धन के ऊपर खड़े होकर के आहा, तो गिरिराज मुरली की धुन को सुनकर के पिघलने लगता है। गिरिराज के पत्थर पिघलने लगते हैं, ग्वाल वालों के पैर नीचे धंसने लगते हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया को बंद करो वेणु बजाना, क्यों? गिरिराज बाबा पिघल रहा है। ऐसा न हो कि गिरिराज बाबा बहकर जमुना में चला जाए और हम गोवर्धन के कीचड़ में धंसे जाए। कृष्ण की मुरली का काम था, कृष्ण की मुरली को सुनकर गिरिराज का पत्थर पिघलता था। सूखी वस्तु गीली हो जाती थी, गीली वस्तु सूखी हो जाती थी। एक बार गोपियों ने कहा कन्हैया आप सदैव मुरली बजाते हो, कृपा करके मुरली बजाने का समय निश्चित कर लो। कन्हैया ने कहा टाइम टेबल तुम बनवा दो गोपियों, कब मैं मुरली बजाऊं कब न बजाऊं। तो गोपियां कहती हैं अरे मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रणम मधुरम। हे मुरारी जब हमारे भोजन बनाने का समय हुआ करे तो आप मुरली मत बजाया करो। क्यों? भगवान का भोजन बनाते समय क्या सब्जी अच्छी नहीं बनती, रोटी अच्छी नहीं बनती, क्या हो जाता है? बोले हम लकड़ी बीन बीन कर जंगल से सूखी सूखी लाती हैं और चूल्हे के पास रख देती हैं। जब आप मुरली बजाते हो तो नीरस तार सतामेती। हे नाथ इस मुरली की धुन से इतना रस बरसता है कि हमारे चूल्हे पर सूखी जो लकड़ी रखी रहती है वो गीली हो जाती है, चूल्हा बुझ जाता है और हमारा भोजन नहीं। प्रेम को बढ़ाने वाली मुरली का निनाद है। हंताय मद्रवला हरिदास बरियो। वेणु गीत में गोपी कहती हैं बहनों सबसे बड़ा भक्त गिरिराज बाबा है, इसलिए ठाकुर जी अपने भक्त का पूजन करवा रहे हैं और कोई कारण नहीं। हालांकि गर्ग संहिता में कई कथाएं हैं, एक गोवर्धन नाम का ब्राह्मण भी था उसको भी भोजन कराया। हनुमान जी महाराज जब सेतुबंध रामेश्वर बंधा तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से लेकर गोवर्धन को ला रहे थे, ब्रज में आकर के भजन हो गया, वहां पूरा फुल हो गया, तब कहा मैं भगवान के हाथ पर जाऊंगा। ये भी कथा 10 कथाएं। एक श्रीरामा नाम का गोप था, गर्ग संगता में लिखा है, वो राधा रानी और कृष्ण के प्रेम के बीच में आ गया, बातचीत कर रहे थे, शाप दे दिया तू पत्थर हो जा और ब्रजा नदी से कहा तू नदी बन जा, तो ब्रजा नदी जमुना बनी और वो श्रीदामा गोवर्धन बना। 10 कथाएं गिरिराज की हैं, पर सबसे अच्छा प्रमाण तो भागवत का भागवत नहीं है, अन्य ग्रंथों के बजाय भागवत का प्रमाण भागवत में। ये भगवान का भक्त है गिरिराज बाबा का पूजन करो भैया, सब लोग भोजन बनाइए, पूजन गिरिराज बाबा का करिए, खुद आएगा। क्या बना मैं भागवत में नाम लिखा है उन मिठाइयों का नाम सुनो। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादयो संया बापूप सस्कुल्य सर्वदोहश्च गृहताम। भैया ऐसो करो पच्यंताम विविधा पाका विविध प्रकार के पकवान बनाओ। क्या बना मैं लाला?
सुपानता पायसा दया, खीर से लेकर के दाल तक कच्चा पक्का सब बनाओ, संयाब माने हलवा बनाओ, अपूप माने पुए बनाओ, सस्कुली माने पूड़ी बनाओ, ये बनाओ, और सर्व गोदोहस चक्रियताम, दूध का जो भी बने सब बनाओ, चार प्रकार का भोजन, भक्ष माने खाए जाने वाला, भोज्य माने चबाए जाने वाला, चोष्य माने चौंकने वाला और चाटने वाला, चार प्रकार का भोजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन बनाइए, ये भगवान का छप्पन भोग। हाँ, छप्पन भोग आप क्यों लगाते हैं आपको मालूम है? क्यों जी, छप्पन भोग क्यों लगाते हैं? 58 क्यों नहीं लगाते? 101 क्यों नहीं लगाते? क्यों आपको मालूम है? बड़े भारी मदन मोहन जी के 56 भोग लगते हैं भाई, 56 क्यों लगाते हैं? हम तो कहते हैं 156 लगाओ, 56 का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। क्यों जी? 56 भोग लगाने का मतलब ये है कि 7 दिन ठाकुर जी गिरिराज को उठा करके खड़े रहे, किसी ने भगवान का भोग नहीं लगाया, और भगवान की पूजा होती है एक दिन में अष्टयाम, 8 बार भगवान की पूजा होती थी, अष्टयाम पूजा होती है भगवान की, 8 बार भोग लगता था, तो एक दिन में लगता था 8 बार, और 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज उठाया तो कितने भोग नहीं लगे? 56 भोग नहीं लगे। इसलिए गिरिराज को 56 भोग लगाया जाता है कि 7 दिन लाला ने 8-8 बार भोजन नहीं किया था, लाला अब 56 भोग लगाओ, कन्हैया को 56 बार भोजन कराओ, क्योंकि 56 बार की नागा हो चुकी है, 7 दिन लाला गिरिराज को उठा के खड़ा। ये 56 भोग का मतलब है, नहीं तो 56 का तो कोई मतलब नहीं। हमारे गोपाल 7 दिन गिरिराज उठाएंगे, इसलिए 7 दिन के 8-8 भोग बाकी रहे, वो आप लोग लगा रहे हैं। गोपाल जिस दिन तू गिरिराज उठा रहा था उस दिन तूने ये नहीं भोग लगाया, ये 56 भोग आज हम दे रहे हैं, तू पाक नहीं और कुछ नहीं हमारे पास, बस ये तुच्छ भेंट आपके चरणों में है, आप स्वीकार करो कन्हैया। इस भावना से लेकर के लोग 56 भोग लगा, सामान लेकर के गिरिराज बाबा के यहाँ गए, कहाँ है तेरा गिरिराज? ले गए जतिपुरा में, पूर्व की ओर खड़ा कर दिया, बुलाओ कन्हैया को, पूजन कराया। कृष्ण तन्यतम रूपम बोप विश्रंगणंगदा, कन्हैया ने मोटा ताजा गिरिराज का रूप बनाया, खड़े हो गए गिरिराज पर्वत पर, बड़े मोटे ताजे, शैलोष्मीति ब्रह्मन भूरी, ऐ ब्रजवासियों मैं गोवर्धन हूं देखो, और लंबी लंबी डग भरते भये नीचे चले आ रहे हैं, और आके बैठ गए, स्वयं ही नमस्कार कर रहे हैं। अरे बड़ी कृपा है गिरिराज बाबा की कि स्वयं भगवान आए, खुद ही बैठे हैं गिरिराज बन के, खुद ही पूजा रहे हैं। मैया स्नान कराओ गंगा को, बोले गंगा जी तो भूला ही लाला जल्दी में, तो मन के द्वारा गंगा का ध्यान करो, मन के द्वारा ध्यान करो तो मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, बोल मानसी गंगा की जय। आओ स्नान कराया, भोग लगाओ भैया, ग्वाल बाल तो एक एक पुआ पकौड़ी डाल रहे थे, इससे काम नहीं चलने वाला लाला, तो अरे त्रेता का भूखा देवता है तो क्या करें, बोले चलन दो ढकुलान से पुआर बाल्टीन तो खीर चलन दो। अरे मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, भगवान क्या करते हैं, शैलोष्मी तीव्र भूरी बलिम आदत बृहद बपु, अरे भगवान ने कहा मैं गिरिराज पर्वत हूँ, लाओ बलिम आदत बृहद बपु, इतना लंबा शरीर बना दिया कि जो भोग लगाए वह हाथ ही उठा रहे, तो भाई ढकुलान आए उठ रहो का ना उठ रहा, मैं उठाऊ, अरे तो मैं खीर ना उठ रही का ना उठ रही, मुझे बलिम आदाद बृहद बपु, बलि को ले रहे थे बड़ा शरीर बनाकर, खूब भोग लगाया, सारा भोजन आया सबका चट कर गए प्रभु। आहा, ग्वाल बाल बोले लाला कन्हैया तेरा देवता तो बहुत जोरदार है, बहुत मजबूत है, पर लाला तेरा देवता भूखो बहुत है, क्यों? अरे छोरा छोरन को प्रसाद ना छोड़ो भाई, आप चिंता मत करिए, आप गिरिराज बाबा की जय जयकार करके अभी जो आंख बंद करके जय जयकार करिए, दुगना हो जाएगा। सबने नेत्र बंद किया, बोल गिरिराज महाराज की जय हो, जितना भोग लाए उससे भी दुगना हो गया। भगवान कभी पाते नहीं है, भगवान तो केवल देखते हैं। दो प्रकार का भाव है भोग लगाने का, शास्त्र में कई बात लिखी है, एक तो ये भी लिखा है कि मैं खाता हूं, ये भी शास्त्र में लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। तो शास्त्र ये भी कहता है कि दिखता नहीं है खाता हुआ पर खाता है, ये भी वेद में भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है, दौ सुपर्णऊ सयोजऊ सखायऊ समान वृक्षे परिसस्व जाते,
ये जीवात्मा परमात्मा दो पक्षी हैं संसार में, सुख दुख के फलों को जीवात्मा खाता है तो सुखी दुखी होता है, परमात्मा खाता नहीं है, संसार की वस्तु को ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। ये भी वेद कहता है कि परमात्मा दृष्टा है, भोक्ता नहीं है, और ये भी कहता है वेद कि परमात्मा भोक्ता भी है और दृष्टा भी। और तीसरा शास्त्र में ये भी लिखा है कि भगवान जाते हैं भोग लगाने के लिए, उनके साथ लक्ष्मी जाती है, तो लक्ष्मी का ये प्रमाण है कि न्यून नहीं होती कोई वस्तु, कम नहीं होती, ठाकुर जी खाते जाते हैं और लक्ष्मी की कृपा से बढ़ता जाता है, लोग जानते हैं कि खाया नहीं है, भगवान खा भी लेते हैं और लक्ष्मी उतना बना भी देती है। ये भी शास्त्र का वाक्य, भगवान कैसा जो कम कर दे, हा? जिसमें न्यूनता ना हो, पूर्ण मदह, वेद भगवान का वाक्य है, वेद ईश्वर कैसा है वेद में लिखा है, विद्वान लोग कहते हैं पूर्णाहुति के समय का मंत्र है ये, पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा संपूर्ण है और संपूर्ण को देने के बाद भी पूर्ण बचा रहता है, कैसे, जैसे एक दीपक में से हजारों दीपक जलाइए तो लौ कम होगी क्या, उतने ही बड़े दीपक जल जाएंगे, और सबको बुझा दो तो भी दीपक वहीं रहता है, इसलिए पूर्ण मदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। परमात्मा खूब खाता है पर उसका गुण है कि वो पूर्ण कर देता है, इसलिए भक्त का भोग तो खाता है, यदि नहीं खाता तो इतने 56 भोग का क्या महत्व रहेगा, खूब खाते हैं भगवान लेकिन पूर्ण मद है, इसलिए खाए हुए को ज्योंकि त्यों कर देते हैं, ऐसे गिरिराज महाराज हैं। बोल गिरिराज महाराज की, भैया पूजन हो गया है अब क्या करें, चार काम करो, गैयान को भोजन कराओ, चांडाल और गरीब ब्राह्मणों के लिए भोजन कराओ, और अग्नि में हवन करो, और गोवर्धन की परिक्रमा दो, सबको भोजन करा दिया। पंडित जी भोजन है गए का, हाँ बैठ जाओ, पत्थर पे ब्राह्मण लेके गुप्ती बैठ गए माला और गैया चढ़ा दी, भगवान परिक्रमा करने लगे। आपने यदि गिरिराज का परिक्रमण किया है तो मेरे साथ दान घाटी पर खड़े हो जाओ, भगवान को नमस्कार करो, पहले दान घाटी है के बड़ी परिक्रमा लगाएंगे पूछने की लोठा वाली, बाद में छोटी राधा कुंड कृष्ण कुंड की लगाएंगे, आपको वही आनंद वही फल वही सुख और वही समृद्धि प्राप्त होगी। यदि ध्यान से आप भगवान का परिक्रमा यहीं बैठे करेंगे, ठाकुर जी सर्वत्र हैं, ध्यान करिए कि गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं।